चलिए तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप एफएमएन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक बेसिक बातें सीखी थी, एफएम के पूरे सब्जेक्ट में हमने करना क्या है वो सीखा था, थोड़ा सा सिलेबस एक बारी के लिए डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्या है, किस तरीके की बातें आपने पूरे के पूरे इस एफएम के सब्जेक्ट में करनी है, वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके बाद आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने एक नए चैप्टर से थोड़ा सा शुरू किया था, रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस, जिसमें अभी तक हमारी जो भी डिस्कशन लास्ट क्लास में चली थी वो इसी शब्द के आसपास चली थी कि लिवरेज क्या होता है। एक बारी फटाफट से उस चीज को रिवाइज करते हैं, लिवरेज में हमने क्या किया था क्या नहीं, उसके बाद आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। एक बारी मेरे को बता दीजिए आवाज वगैरह सब क्लियर, स्क्रीन वगैरह सब क्लियर आ रही है, होश में है अभी? अभी तो क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है। हाँ सर, धीरे धीरे जाएंगे नींद में जैसे जैसे आप आगे चलाते रहोगे, है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको, लाइट लाइट सा टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है एज सच, फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहां पे लिवरेज का मतलब समझने की कोशिश करी थी लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने पहले आपको एक बुकिश डेफिनेशन यहां पे एक्सप्लेन करी थी कि लिवरेज का मतलब क्या होता है। तो बुकिश डेफिनेशन क्या निकली थी, सर कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया जा रहा है, और वो कंपोनेंट जब हम बाहर से ला रहे हैं तो वो हमारी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है हमको मल्टीपल टाइम्स फायदा हो जाए या हो सकता है हमको मल्टीपल टाइम्स नुकसान हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसी एग्जांपल को पहले हमने, इसी बात को पहले हमने इस लेमन एग्जांपल से समझा था। एक मैंने पत्थर वाला एग्जांपल दिया था, रॉक वाला, और एक मैंने आपको गाड़ी का जो जैक होता है एक मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। दोनों में ही यहां पे एक बड़ा पत्थर था, उसको मूव करना था, उसके लिए एक छोटा पत्थर लगाया और एक रॉड लगाई जिसने एक लिवर का काम किया। मेरी खुद की कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं अपने बेयर हैंड से इस बड़े पत्थर को मूव कर पाऊं, लेकिन इस लिवर की हेल्प से मैंने इस बड़े रॉक को रिमूव कर दिया था, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये क्या है, एक बाहर से लाया गया कंपोनेंट जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया कि अब मैं इस बड़े रॉक को मूव कर पाऊंगा, और उससे हो सकता है मल्टीपल टाइम मेरा फायदा हो जाए, मैं इतने बड़े पत्थर को मूव कर पाया, या हो सकता है मल्टीपल टाइम नुकसान हो जाए अगर ये रॉड टूट गई तो, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल एक लेमन एग्जांपल था, सिर्फ और सिर्फ उस बुकिश डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हमने लास्ट क्लास में स्टॉक एक्सचेंज का एक एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने आपको लाइव स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस वगैरह देखकर आपको बताया था कि एक शेयर के प्राइस पर, अडानी पोर्ट के शेयर के प्राइस पर 9x चल रहा था। तो इसका मतलब क्या आया था कि मान लो किसी इंसान की जेब में 75,000 रुपी है और एक शेयर 750 रुपए का उस दिन चल रहा था, तो उस हिसाब से उसकी खुद की औकात, खुद की कैपेबिलिटी कितने शेयर बाय करने की है, सर सिर्फ 100 शेयर बाय करने की है। तो अगर वो अपनी ऑन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग शेयर में पैसा लगाए तो सिर्फ 100 शेयर्स वो खरीद सकता है अगर उसकी जेब में 75,000 है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक बाहर से कंपोनेंट आया, जो 9x था वो एक बाहर से कंपोनेंट आया, स्टॉक ब्रोकर ने वो कंपोनेंट आपको दिया, जिसकी वजह से आप 9 times ज्यादा शेयर खरीद सकते हो उतने ही रुपयों में। आपने अपनी जेब से 75,000 ही निकाला जिसमें 100 शेयर बनते थे, लेकिन मार्केट ने आपको 900 शेयर दे दिया, उसका 9 times शेयर दे दिया। अब अगर आपका प्रॉफिट होगा, पर शेयर अगर प्रॉफिट हुआ, प्राइस बढ़ गया 50 रुपए का प्रॉफिट, खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगाते तो सिर्फ 5,000 कमा सकते थे, लेकिन अब 45,000 कमाओगे। बाहर से लाया गया कंपोनेंट आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहा है, खुद से 100 शेयर अब 900 शेयर, जिसकी वजह से हो सकता है आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए या हो सकता है आपका लॉस मल्टीपल टाइम्स हो जाए। खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 3,000 का लॉस था और अब 27,000 का लॉस आ रहा था। तो इसीलिए ये जो 9x मिलता है इसको स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं, लिवरेज कहते हैं। और मैंने यहीं पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी एक्सप्लेन किया था मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ, दैट इज इंट्राडे में यूज होता है मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ, और ये जो लिवरेज का कंपोनेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ कोई इंसान अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो ही उसको मिलता है। अगर वो होल्ड करना चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से शेयर बेचूंगा, आज बेचूं, कल बेचूं, 10 दिन बाद बेचूं, 10 साल बाद बेचूं, तो MIS मतलब लिवरेज उसको नहीं मिलता है। और इस के केस में जिसमें डिलीवरी ट्रेड होता है कि आज खरीद लिया जब मर्जी बेचूं, उसको क्या कहते हैं, डिलीवरी ट्रेड कहते हैं, मैंने याद होगा लास्ट क्लास में बताया था। और यहां पे क्या चलता है, जैसे इंट्राडे में MIS, डिलीवरी ट्रेड में क्या चलता है, CNC, CNC की फुल फॉर्म कैश एंड कैरी, ठीक है जी। मेरे को बताइए एक बार, अभी तक मैंने लास्ट क्लास का जो भी था बेसिक उसको फटाफट से एक बार रिवाइज करवाया है, याद आया आप सबको ये, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? हां जी,
जी सर, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब मैंने आपको जो लिवरेज समझाया था वो मैंने आपको लेमन टर्म्स में समझा दिया, वो मैंने आपको स्टॉक मार्केट में भी लेके जाके दिखा दिया प्रैक्टिकली कि हाँ जी वो एग्जिस्ट करता है, क्या होता है। अब एक बारी इस इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले मैं आपके सामने क्रक्स रख रहा हूं, उसके बाद एक एक करके उस चीज को समझेंगे जो मैं अब आपको बता रहा हूं। पूरी इनकम स्टेटमेंट में जो भी आपने लिखा है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वगैरह वगैरह, पूरी इनकम स्टेटमेंट में आपने जो भी लिखा है उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें लिवरेज का कंपोनेंट है। एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है आपका इंटरेस्ट। ठीक, अब क्या है ये, उसको आगे समझने से पहले एक बारी के लिए फटाफट से इस इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं ये हमने क्या किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी, आपके पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गए। यहां तक एक तरह से जो भी आपने किया है ना, यहां से लेकर यहां तक जो आप कॉस्टिंग में भी मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखते हो सर, ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब डे टू डे ऑपरेशंस रन करने पर, डे टू डे ऑपरेशन रन करने पर, डे टू डे में बिजनेस रन करने पर आपने बिजनेस से कितना कमाया, जो भी आपने एसेट्स लगा रखे थे उनकी मदद से आपने प्रोडक्शन करी, उस प्रोडक्शन को आपने मार्केट में बेचा, सेल्स आई, उस प्रोडक्शन पर वेरिएबल नेचर का खर्चा माइनस किया और फिक्स्ड नेचर का खर्चा माइनस किया। यह खर्चा जो आपने माइनस किया है यह आपका ऑपरेटिंग खर्चा है, दैट इज बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने का खर्चा है। उसके बाद जो मैंने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आया, बेसिकली प्रॉफिट आया, इसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया। इंटरेस्ट किसको गया होगा सर, जिनसे हमने डेट का पैसा ले रखा है, मतलब डेट होल्डर्स को मैंने इंटरेस्ट पे किया है। उसमें से टैक्स माइनस किया, टैक्स तो चलो जबरदस्ती बीच में आ जाती है सरकार कि लाओ दो हमको भी टैक्स दो, तो मैंने इंटरेस्ट माइनस करा तो मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आए, उसमें से मैंने टैक्स माइनस किया तो मेरे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गए। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले हम किसको पैसा पे करते हैं, अर्निंग्स में से प्रेफरेंस वालों को, उनके हिस्से का डिविडेंड पे करते हैं, तभी बोला जाता है प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड, इसीलिए तभी दिया जाएगा अगर यहां पे अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस में कुछ बचा होगा। एक तरह से मैंने जो यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया है ये किसको गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो जिन्होंने मेरे को पैसा एज ए डेट दिया है उनको मैंने पहले इंटरेस्ट पे किया, जिन्होंने मुझको पैसा एज प्रेफरेंस शेयर्स दिया है उनको मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। उसके बाद मेरे पास आया अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब अब जो भी बचा वो सारा का सारा किसका है, कंपनी के मालिकों का है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। पहली बात, तभी इसको एक और नाम से बोला जाता है मैक्सिमम परमिसेबल डिविडेंड, इतना मैक्सिमम डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को पे किया जा सकता है। उसमें से मैंने इक्विटी डिविडेंड माइनस किया, मतलब जितना मैं एक्चुअली में उनको पे कर रहा हूं, हो सकता है सारा का सारा पे कर दूं, हो सकता है कुछ पे करूं, तो ये जो एक तरह से पे किया है ये हमने किसको पे किया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, मतलब आपके धंधे में वापस जाएंगी। ये सारी बात मैंने इस तरीके से इसलिए बोली है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तक आपने इनकम स्टेटमेंट में जो भी लिखा है वो आपका ऑपरेटिंग नेचर का है। यहां पे जो खर्चे लिखे हैं वो भी ऑपरेटिंग नेचर के हैं, यहां से जो प्रॉफिट आया है वो भी ऑपरेटिंग नेचर का है। लेकिन इसके बाद आपने जो भी किया है, इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स को तो मैं साइड पे कर देता हूं क्योंकि वो तो कंपल्सरीली गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इंटरेस्ट दिया आपने, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया आपने, इक्विटी डिविडेंड दिया आपने, ये सब क्या है, मतलब इसके आगे जो भी आपने किया है ये सब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, ये सब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आपने अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस तक जो भी कमाया, ये जो ईबीआईटी जो आपने कमाया, ये आपने अपने धंधे से कमाया, आपने अपने बिजनेस से कमाया। उसके बाद तो आपने एक तरह से आपके बिजनेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उसमें इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। दोबारा रिपीट करता हूं, आपने एक्चुअली में अपने बिजनेस से तो सर ईबीआईटी कमाया है, उसके बाद तो आपने जितने भी आपके बिजनेस में स्टेक होल्डर्स थे, जिस जिसने आपको पैसा दे रखा था, उनमें आपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बस उस डिस्ट्रीब्यूशन की हायरार्की है कि सबसे पहले डेट वालों को पैसा जाएगा इंटरेस्ट का, जो बचेगा उसमें से सरकार अपना हिस्सा ले जाएगी, जो बचेगा उसमें से फिर प्रेफरेंस वाले अपना पैसा लेके जाएंगे, और आखिरी में जो बच गया वो इक्विटी वालों का जाएगा। तो एक तरह से क्रक्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने बिजनेस से क्या कमाया है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसके बाद जो भी है वो आपने कमाया नहीं है,
उसके बाद तो एक तरह से आपने इस इनकम को EBIT को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स में। मेरे को बताओ अभी जो मैंने ये बात बोली, बड़ी सिंपल सी बात थी वैसे, लेकिन आपको समझ आई। इसका लिंकेज आएगा अभी आगे पूरा का पूरा, इसलिए एक तरह से मैं रिमाइंड करवाना चाह रहा था आपको ये बात। हाँ जी, यहां तक की ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए एक बारी। सो तो नहीं गए जी सर? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, मैं यहां पे क्रक्स बोल रहा था, अब उस पे आता हूं कि सर इस पूरी इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका लिवरेज का एलिमेंट है। एक है सर फिक्स्ड कॉस्ट और एक है इंटरेस्ट। बस ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका लिवरेज का एलिमेंट है। कैसे सर? एक एक करके इसको समझते हैं। आइए, अब मैं जो भी यहां पर कर रहा हूं वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है वैसे आपका ये, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, जनरली भी वैसे FM आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आएगा ये पढ़ने में, ठीक है ना? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस इसमें थोड़ी सी ज्यादा करनी होती है, कैलकुलेशंस बहुत हैं इस सब्जेक्ट में। एनीवे, सर फिक्स्ड कॉस्ट को सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट में आप लिवरेज का एलिमेंट कैसे कह रहे हो। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर दो एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक काम करता हूं, मैं डिप्रिसिएशन का एक एग्जाम्पल लेता हूं। डिप्रिसिएशन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और डिप्रिसिएशन जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कौन सी वाली फिक्स्ड कॉस्ट है? सर डिप्रिसिएशन एसेट्स पे लगता है, और वो जो एसेट्स होते हैं वो आपके डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के काम आते हैं। मतलब डिप्रिसिएशन एक तरह से आपका ऑपरेटिंग नेचर का फिक्स्ड का खर्चा है। बिल्कुल सही सुषमा। अब सर ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एट प्रेजेंट आप लेबर से प्रोडक्शन कर रहे थे, आप लेबर से प्रोडक्शन करवा रहे थे, ठीक है ना? अच्छा, अब जब लेबर प्रोडक्शन करेगी तो लेबर की एक लिमिटेशन है। अल्टीमेटली जब इंसान खुद से काम करेगा तो सर एक लिमिटेड काम ही वो कर पाएगा। अगर वही काम आप मशीनों से करोगे तो वो काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है उतने ही टाइम में अगर आप लेबर से काम करवाओगे तो थोड़ा क्वांटिटी में काम कम होगा, उतनी ही देर में अगर आप मशीन से काम करोगे तो ज्यादा काम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ सर, तो आप एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, इस वजह से आप एग्जांपल के लिए 10,000 यूनिट्स बनाकर बेच पा रहे थे, प्रोडक्शन एंड सोल्ड 10,000 यूनिट्स एट प्रेजेंट इस लेवल पर आप ऑपरेट कर रहे थे लेबर के थ्रू, ठीक है ना? अब इसके बेसिस पर मैं आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट रखता हूं। सेल मान लीजिए ₹10 पर यूनिट के हिसाब से आपका यह प्रोडक्ट बिकता है, तो 10,000 यूनिट्स बनाकर आप बेच रहे थे ₹10 पर यूनिट के हिसाब से, कितनी सेल? सर ₹1,00,000 माइनस इसमें से आप करते हो वेरिएबल कॉस्ट। मान के चलते हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6 की आ रही है, तो सर 10,000 यूनिट्स एट 6 पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट ₹60,000 आ गई। आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया ₹40,000 का। माइनस करते हैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर डिप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं और मान के चलते हैं आपके पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जिस पर डिप्रिसिएशन लग रही है। मैं यहां पे लेबर से काम करवा रहा हूं, तो फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पे सर यहां पे कुछ नहीं है। मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? आपका प्रॉफिट आ रहा है सर ₹40,000। यह है प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे कहते हैं यह है आम जिंदगी। यहां तक की बात समझ आई? अब सर हमने क्या किया, हमने सोचा अपने बिजनेस का क्यों ना हम स्केल बढ़ाएं। स्केल बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हम ना लेबर के साथ साथ एक मशीन भी ले आए, हम लेबर के साथ साथ एक मशीन भी ले आए, ठीक है ना? अब इस मशीन की मदद से हमारी कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। बाहर से एक कंपोनेंट लाया क्या, मशीन, जिसकी वजह से मेरी कैपेबिलिटी बढ़ गई। मैं खुद से जब प्रोडक्शन कर रहा था तो सर 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, अब मैं मान के चलते हैं उतने ही टाइम में 30,000 यूनिट्स बना पाऊंगा। ये मैंने यहां पे सिर्फ प्रोडक्शन लिखा है, सोल्ड नहीं लिखा है। मशीन मेरी सिर्फ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, मार्केट में बिकना या ना बिकना उस कमोडिटी का वो एक अलग बात है, ठीक है सर? 30,000 यूनिट्स हमने बना ली। अब अगर ये यूनिट्स मार्केट में बिक गई तो क्या होगा? अगर सर ये यूनिट्स मार्केट में बिकी तो सेल आएगी आपकी 30,000 यूनिट्स इंटू 10 के हिसाब से 3,00,000। सेलिंग प्राइस मैंने पर यूनिट वही लेट करी है ₹10। माइनस होगी यहां से वेरिएबल कॉस्ट, 30,000 यूनिट्स इंटू 6 पर यूनिट के हिसाब से 1,00,000,
80,000, ठीक है जी। आपके पास यहां पे कंट्रीब्यूशन आएगा 1,20,000, ठीक। मान लो आपने जो ये मशीन खरीदी है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने यहां पे जो मशीन खरीदी है, सर ये मशीन है, मान लो कॉस्ट है इस मशीन की 2,50,000 रुपए या 3,00,000 रुपए, ठीक, या इसको मैं 5,00,000 ही मान लेता हूं। मान लीजिए इस मशीन की कॉस्ट 5,00,000 है और इस मशीन पे डिप्रिसिएशन लगेगा 10% का, तो सर अब आप 30,000 यूनिट्स बेच तो पा रहे थे, लेकिन अब आपका फिक्स्ड का खर्चा भी आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी इंकर होगी। कितनी? 5,00,000 रुपए की सर इस मशीन की कॉस्ट थी, 10% का इस पर डिप्रिसिएशन, 50,000 का आपका फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा आ जाएगा और आपका प्रॉफिट, जिसको यहां पे हम ईबीआईटी बोलते हैं, वो कितना आ जाएगा? 70,000। हाँ जी, यहां तक की बात को अगर मैं एनालाइज करूं तो सर देखिए वही डेफिनेशन में अब इसको मर्ज करेंगे। बाहर से लाया गया कंपोनेंट, यहां पे बाहर से क्या लाया सर? मशीन। बाहर से लाया गया कंपोनेंट मशीन, जो कि आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। पहले मेरी कैपेबिलिटी थी सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाने की, अब मैं कितनी यूनिट्स बना पा रहा हूं? 30,000 यूनिट्स। तो बाहर से कंपोनेंट लाया मशीन, जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया, 10,000 से 30,000 यूनिट्स मैं बना पा रहा हूं। और सर इसकी वजह से हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट हो जाए। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेरा 40,000 था, अब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 70,000 हो गया। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स घट जाए, मतलब आपके लॉसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए। सर वो तो यहां पे नहीं हुआ, देखते हैं, वो भी करके दिखाएंगे आपको, चिंता ही मत करो। सर बाहर से लाया गया कंपोनेंट जो मशीन था, वो आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, लेकिन कौन सी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहा है? प्रोडक्शन करने की। सर प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहा है। यह गारंटी नहीं है कि यह यूनिट्स जो बढ़ाकर आप बना रहे हो यह मार्केट में बिकेंगे भी या नहीं। तो अगर 30,000 यूनिट्स जो एडिशनल आपने बनाई, अगर यह मार्केट में बिक गई तो यह केस है। अगर आपने प्रोडक्शन कर दी सर 30,000 यूनिट्स की, लेकिन मार्केट में बिकी सिर्फ वही एग्जिस्टिंग वाली 10,000 यूनिट्स, मतलब आपने जो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाकर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करी है वो मार्केट ने एब्जॉर्ब नहीं करी, तो उस केस में सर सेल आपकी वही 1,00,000 रुपए, 10,000 यूनिट्स बिकी हैं 10 रुपए के हिसाब से, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी वही 10,000 यूनिट्स एट 6 पर यूनिट, 60,000 रुपए। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40,000 रुपए। लेकिन आपने मशीन खरीद रखी थी, मशीन खरीद रखी थी तो उस पे जो ये फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज उसका डेप्रिसिएशन, ये तो सर आएगा ही आएगा। आपकी मार्केट में यूनिट्स बिके या ना बिके, फिक्स्ड कॉस्ट विल इंकर। आप अगले साल ये 30,000 यूनिट्स ना बनाओ इस उम्मीद में, आप कहो सर इस साल 30,000 यूनिट्स बना ली थी, मार्केट में 10,000 यूनिट्स बिकी, तो मैं अगले साल 30,000 यूनिट्स बनाता ही नहीं, फिर अगले साल मैं बनाऊंगा ही 10,000 यूनिट्स, ताकि मार्केट में 10,000 ही बिकती हैं उतनी मैं बनाऊंगा, मत बनाओ अगले साल और ज्यादा यूनिट्स। लेकिन सर मशीन तो खरीद के बैठ गए हो ना, फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा तो आपका तब भी आएगा जब तक कि ये मशीन स्क्रैप नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। आपने कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में भी सीखा है सर, फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा, आप यूनिट्स ज्यादा बनाओ कम बनाओ, खर्चा रिमेंस द सेम, मतलब मेरा फिक्स्ड का खर्चा यहां पे आएगा ही आएगा उतना का उतना 50,000, और यहां पे मेरे पास लॉस आ गया है 10,000। अब इसको सम अप करो, बाहर से लाया गया कंपोनेंट या मशीन जो कि आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा, एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट्स, अब 30,000 यूनिट्स मैं बना पाऊंगा, लेकिन उसकी वजह से हो सकता है कि मेरा मल्टीपल टाइम प्रॉफिट हो जाए अगर वो एक्स्ट्रा बनी यूनिट्स मार्केट में बिक गई, या हो सकता है मेरा मल्टीपल टाइम लॉस हो जाए अगर वो यूनिट्स एक्स्ट्रा जो बनाई थी वो मार्केट में ना बिकी। तो पहले 40,000 का प्रॉफिट आ रहा था, अब 10,000 का लॉस आएगा। मेरे को बताइए क्या आपको समझ आया इस डेप्रिसिएशन के रेफरेंस से कि किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज का एलिमेंट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करने की वजह से आप उस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप करवा गए इस कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो सर आपका मल्टीपल टाइम प्रॉफिट है, और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन से कवर अप ना करवा पाए तो फिर आपका मल्टीपल टाइम प्रॉफिट नहीं आएगा। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? समझ आ गया? हां जी, बताएंगे, सो तो नहीं गए? चलिए, अच्छा, यहां पे मैंने जब आपको फिक्स्ड कॉस्ट का ये पूरा एक्सप्लेन किया
तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया सर डिप्रिसिएशन का। आपका मन करे यही चीज आप फिक्स्ड कॉस्ट की किसी और फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे में डाल के रख लो, रेंट के हिसाब से चाहे आप सोच लो, रेंट का खर्चा भी आपका फिक्स्ड का खर्चा है सर, रेंट के हिसाब से सर आप सोच लो चाहे, सेम एग्जाम्पल में फिट कर दो। एट प्रेजेंट इसी सेम एग्जाम्पल में बस इतना कर दो, लेबर से नहीं, अब ये बात हम ऑफिस स्पेस के बारे में कर लेंगे। एट प्रेजेंट मैं अपने खुद के एक ऑन्ड ऑफिस में काम कर रहा था जिसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स बनाने की थी। मैं अपने खुद के ऑफिस की जगह पर काम कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था जहां से 10,000 यूनिट्स बना सकता हूं, तो सर उस हिसाब से ये मेरा प्रॉफिट आ रहा था। अब मैंने क्या किया, किराए पर एक मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैंने एक और ऑफिस किराए पर ले लिया, एक और फैक्ट्री की जगह किराए पर ले ली जिसका रेंट मेरे को 50,000 रुपए पड़ेगा। इसकी वजह से अब मेरे पास क्योंकि जगह ज्यादा हो गई है तो अब मैं 10,000 नहीं 30,000 यूनिट्स बना पाऊंगा, ठीक, क्योंकि किराए पर मैंने एक और फैक्ट्री की जगह ले ली है। अब इस वजह से अगर ये 30 की 30,000 यूनिट्स बिक गई तो सर मेरा प्रॉफिट 70,000 आ जाएगा, लेकिन अगर ये 30,000 यूनिट्स मार्केट में ना बिकी, कैपेसिटी तो मेरी 30,000 हो गई है, लेकिन अगर मार्केट में ये 30,000 यूनिट्स ना बिकी तो सर फिर मेरा लॉस हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से रेंट के केस में देख लो सर, चाहे आई गेस आपको बात समझ आई। अल्टीमेटली रेंट के केस में भी मेरी खुद की कैपेबिलिटी 10,000 यूनिट्स बनाने की थी, इतनी जगह थी मेरे पास, अब मैं बाहर से एक कंपोनेंट लाया, किराए पर एक और ऑफिस लाया जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया, जिसकी वजह से हो सकता है मेरे को मल्टीपल टाइम प्रॉफिट हो जाए या हो सकता है मेरा मल्टीपल टाइम लॉस हो जाए। मेरे को बताओ समझ आया आपको ये, चाहे आप रेंट में डाल लो और किसी भी फिक्स्ड के खर्चे में डाल के आप देख लो, सेम यही चीज बनेगी। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सर इस इनकम स्टेटमेंट में जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें लिवरेज का एलिमेंट है। हां जी ठीक है सर, ओके, सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, समझ आ गया। अब यहां पे सर इसका नाम मैंने तभी आपको पहले एक्सप्लेन किया, ईबीआईटी तक आप जो भी करते हो ये आपका कौन सी नेचर का होता है, ये सब आपका ऑपरेटिंग नेचर का होता है, बिजनेस को डे टू डे रन करने में जो भी आपका खर्चा वगैरह आया है वो सारा आपने यहां पे किया है, और जो आपकी ये फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें रेंट डिप्रिसिएशन इस तरीके की जो हम बातें कर रहे हैं ये सब सर आपका ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस को डे टू डे रन करने का खर्चा है। तो अब यहां पर मैं इसका क्रक्स लिखता हूं, ये फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और इसकी वजह से जो लिवरेज आ रहा है या इसकी वजह से आपके बिजनेस में जो रिस्क आ रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग रिस्क और ऑपरेटिंग लिवरेज। अल्टीमेटली फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट अपने साथ एक रिस्क ला रहा है। अगर आपकी वो फिक्स्ड कॉस्ट कवरअप हो गई, 30,000 यूनिट्स बना पा रहे थे फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करने की वजह से, रिस्क का मतलब क्या होता है, हो सकता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है नुकसान हो, इसी बात को रिस्क कहते हैं ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपने साथ साथ एक रिस्क ला रहा है, उसने आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया, लेकिन अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ी है अगर वो मार्केट में बिक गई तो आपका मल्टीपल टाइम प्रॉफिट है, लेकिन अगर वो मार्केट में ना बिकी तो आपका मल्टीपल टाइम नुकसान है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपने साथ एक रिस्क ला रही है, और रिस्क को हमने क्या बोला, ऑपरेटिंग रिस्क, क्योंकि ये खर्चा ऑपरेटिंग खर्चा है, और इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज। रिस्क और लिवरेज का मतलब एक ही होता है अल्टीमेटली। हां जी अभी जो मैंने ये वाली बात बोली ये सभी को क्लियर हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में ये सारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई डाउट, मुश्किल तो नहीं लग रहा, बिल्कुल आसान है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा अब बात करेंगे एक बारी इंटरेस्ट की, आर्यन अभी इंटरेस्ट का समझो उसके बाद फिर मैं दोबारा एक बारी इन दोनों को समअप करूंगा, प्लीज पहली बारी में सुनिया करिए ढंग से। इंटरेस्ट, अब पहली बात तो यह समझो, बच्चे कई बारी एक सवाल उठाते हैं, जैसे ही मैं फिक्स्ड कॉस्ट को खत्म करता हूं और इंटरेस्ट के बारे में शुरू करने लगता हूं तो उसी टाइम बच्चों की एक क्वेरी आती है, सर इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है वो भी तो फिक्स्ड की नेचर का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट का खर्चा किस पर इंकर हो रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा सर आपने जो लोन लिया होगा, आपने जो डेट लिया होगा उस पर इंकर हो रहा है।
अब मैंने आज अगर लोन ले लिया और उस लोन के पैसे को अपने बिजनेस में लगा दिया, मेरा बिजनेस ढंग से चले ना चले, मेरे को बैंक को या जिससे भी मैंने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट तो सर मेरे को पे करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का खर्चा कहीं ना कहीं मेरा क्या बन जाता है, फिक्स्ड खर्चा बन जाता है। तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो फिक्स्ड खर्चा ही बन गया, इसका कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं इसी में कवर्ड अप नहीं हो गया। सर बिल्कुल हो गया, इंटरेस्ट के खर्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जैसा फिक्स्ड कॉस्ट का अभी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ना रेंट और डिप्रिसिएशन के केस में वही बनेगा। बट एक फर्क है, जो फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर मैंने अभी पहले डिस्कस की है उसमें किस तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट मैंने डिस्कस करी है, ऑपरेटिंग नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट डिप्रिसिएशन। तो जो ऑपरेटिंग नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मैंने ऊपर डिस्कस किया है, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट है लेकिन ये फाइनेंसिंग नेचर का है। मैंने तभी आपको पहले एक्सप्लेन किया ईबीआईटी के बाद जो भी आप करते हो वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, एक कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है सर उनमें आप उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो स्टार्टिंग विद इंटरेस्ट। तो इसलिए ये एक फाइनेंसिंग नेचर का है, इसको हम अलग डिस्कस करते हैं। अब सर सेम एग्जाम्पल आप इसमें ले लो, एट प्रेजेंट आपने अपना खुद का पैसा लगा रखा था ओन फंड, अपना खुद का लिमिटेड पैसा जो आपने धंधे में लगा रखा था उससे आप 10,000 यूनिट्स बना पा रहे थे। मैं पूरी लिंकेज आपको बताऊंगा एक बारी। आपने बिजनेस में अपना खुद का पैसा लगाया मान लो 10 लाख, ये आपके पास था, तो आपके बिजनेस की बैलेंस शीट थी उसमें बस ओन्ड फंड दिख रहा था 10 लाख, और इसी 10 लाख रुपए से आपने इस बिजनेस के एसेट्स खरीद रखे थे। इन्हीं एसेट्स की मदद से, तो आपने एसेट भी कितने के खरीद रखे होंगे, मशीनें प्लांट मशीनरी वगैरह बिल्डिंग वगैरह सर 10 लाख की खरीदी होंगी। इससे आप प्रोडक्शन करते थे इतने एसेट्स की मदद से, और कितनी प्रोडक्शन कर पा रहे थे, वही सेम एग्जाम्पल मैं यहां पर लेना चाह रहा हूं सर, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर पा रहे थे। आगे बिल्कुल सेम सेल हो रही थी आपकी 1 लाख रुपए की, वही 10,000 यूनिट्स 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी आपकी वही 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 60,000 आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा था 40,000। अब क्योंकि मैं यहां पे आपको फाइनेंसिंग नेचर के फिक्स्ड खर्चे की बात करना चाहता हूं तो मैं ऑपरेटिंग नेचर का फिक्स्ड खर्चा एक मिनट के लिए निल रह रहा हूं, वो कुछ था ही नहीं मान लो, कोई डिप्रिसिएशन रेंट वगैरह कुछ नहीं था। तो आपके पास ईबीआईटी यहां पर कितना आ रहा था सर, 40,000 आ रहा था, इसमें से आप माइनस करते हो इंटरेस्ट जो कि एट प्रेजेंट बैलेंस शीट में कोई डेट था ही नहीं, सारा पैसा मेरा खुद का था, तो सर इंटरेस्ट का मेरे पास कोई खर्चा ही नहीं था, तो सारा का सारा मेरे पास ईबीटी बच रहा था, अर्निंग बिफोर टैक्स बच रहा था 40,000। मेरे को बताओ यहां तक मैंने जो बताया वो क्लियर हुआ, आर्यन अभी रिपीट करूंगा मैं यहां पर जो आपने बोला था, लेकिन एक बारी पहले यहां तक साथ साथ समझते जाइए, यहां तक सबको क्लियर, ओके जी। अब सर मैंने क्या किया, अगेन मैंने ये सोचा कि यार मेरे को ना अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाना है, बिजनेस का स्केल बढ़ाने के लिए अब मैंने क्या किया, मैंने डेट ले लिया, ठीक, मैंने डेट कितना ले लिया मान लो 10 लाख रुपए का मैंने, या 5 लाख रुपए का ही मैं कंसिडर करता हूं, 5 लाख रुपए का मैंने डेट ले लिया। अब मेरी बैलेंस शीट कैसी दिख रही है, अब सर मेरी बैलेंस शीट में ओन्ड फंड 10 लाख का दिख रहा है, और मान लो ये डेट 10% का कूपन रेट का डेट है, तो मेरी बैलेंस शीट में 10% का सर दिख रहा है 5 लाख रुपए का, टोटल मेरे पास कितना पैसा आ गया, ये मेरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, 10 लाख मेरा खुद का, 5 लाख डेट का। अब मैंने ये पूरा 15 लाख इन्वेस्ट किया अपने एसेट्स में, तो मेरे पास एसेट्स भी कितने के आ गए, 15 लाख के। अब जब मेरे पास एसेट्स बढ़ गए, पहले 10 लाख के एसेट थे तो 10,000 यूनिट बना पा रहा था, अब सर मैं कितने यूनिट्स बना पा रहा हूं, मान के चलते हैं वही 30,000 यूनिट्स अब मैं बना पा रहा हूं। अगर ये 30,000 यूनिट्स मार्केट में बिक गई तो सर आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखेगी, 30,000 यूनिट्स वही 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 3 लाख रुपए की आपकी सेल, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 1,80,000 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1,20,000, और ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट को अभी मैं निल मान के चलना चाहता हूं क्योंकि मैं फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूं यहां पे, तो माइनस किया यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट निल, आपके पास ईबीआईटी आया 1,20,000, माइनस करेंगे यहां से इंटरेस्ट। अब सर आपका इंटरेस्ट का खर्चा आएगा, पहले आपका इंटरेस्ट का खर्चा था नहीं, 5 लाख के पे 10% के हिसाब से 50,000 का इंटरेस्ट, आपका ईबीटी मल्टीपल टाइम बढ़ गया,
आपका ईबीटी 70,000 हो गया। मेरी बात समझ आई? जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा था, ऑपरेटिंग खर्चे की बात कर रहा था, तब मैं ईबीआईटी तक आता था। अब मैं फाइनेंसिंग के खर्चे की बात कर रहा हूं और फाइनेंसिंग में भी इंटरेस्ट के खर्चे की बात कर रहा हूं, तो मैं कौन सी इनकम को कंपेयर कर रहा हूं, कौन सी इनकम को बोलूंगा मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई या घट गई? जब मैं इंटरेस्ट के खर्चे की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ईबीटी की इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी या घटेगी। जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूंगा तब मैं बोलूंगा ईबीआईटी की इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ी या घटी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होके आपके पास ईबीआईटी आता है और इंटरेस्ट माइनस होके आपके पास ईबीटी आता है। तो यहां पे ये आपका मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया। लेकिन सर तीसरा सिनारियो ये भी हो सकता है कि आपने अल्टीमेटली सेम इसी तरीके से डेट से पैसा ले लिया, यही सेम आपकी बैलेंस शीट दिख रही है, आप प्रोड्यूस तो कर पाए 30,000 यूनिट्स, लेकिन सर मार्केट में अभी भी बिकी कितनी? 10,000 यूनिट्स। अब क्या होगा? सेल आपकी वही 10,000 यूनिट्स, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1,00,000, माइनस वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 60,000, आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा वही 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट में निल मान के चलना चाहता हूं अभी के लिए, ईबीआईटी आएगा आपके पास 40,000, लेकिन सर माइनस होगा यहां से इंटरेस्ट। अब आपने मार्केट में भले ही 10,000 यूनिट्स बेची हैं, लेकिन आपने डेट ले लिया था 5,00,000 रुपए का 10% के हिसाब से। जब तक आप इस डेट को पे ऑफ नहीं कर देते, इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चाहे आने वाले टाइम में आप ये कह दो मैं नहीं बनाता 30,000 यूनिट्स, मत बनाओ। आप 10,000 एग्जिस्टिंग जो बना रहे थे वो भी मत बनाओ, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो आपका 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा और आपका ईबीटी माइनस में 10,000, दैट इज आपका लॉस आ गया। दैट इज या तो हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम बढ़ जाए या मल्टीपल टाइम आपकी इनकम घट जाए। मेरे को बताओ समझ आया? बाहर से लाया गया कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? डेट। बाहर से लाया गया कंपोनेंट डेट, जिसने आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया। पहले 10,000 यूनिट्स बना पा रहे थे, अब 30,000 यूनिट्स बना पा रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर से कंपोनेंट हम लाए, इसने हमारी कैपेबिलिटी को तो बढ़ाया, लेकिन अपने साथ साथ ये एक रिस्क का कंपोनेंट भी ले आया है। रिस्क का कंपोनेंट कौन सा लाया सर? ये डेट। रिस्क का कंपोनेंट सर ये अपने साथ इंटरेस्ट ले आया। बाहर से लाया गया कंपोनेंट क्या है? डेट। वो अपने साथ क्या लाया? रिस्क का एक एलिमेंट लाया, इंटरेस्ट, जिसकी वजह से हो सकता है मेरी इनकम मल्टीपल टाइम बढ़े या हो सकता है मल्टीपल टाइम घट जाए। एंड दिस इज इट। इसका मतलब इंटरेस्ट में भी आपका लिवरेज है। इसीलिए मैंने पहले आपको लिवरेज का प्रॉपर मतलब समझाया, ताकि मैं यहां पे लिंक कर पाऊं। इसके बाद मैं इसको समअप करूंगा। इंटरेस्ट का खर्चा अभी आपने बताया, जो ये फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा था डिप्रिसिएशन रेंट के केस में जो हम बात कर रहे थे, ये आपका ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा था। ईबीआईटी जो आपके पास आया, ये भी आपकी ऑपरेटिंग नेचर की इनकम थी। इसीलिए आप फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा, ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा, ईबीआईटी आपकी ऑपरेटिंग नेचर की इनकम, इसीलिए कॉस्टिंग, आप कॉस्टिंग का सब्जेक्ट ऑपरेशन समझने के लिए करते हो, बिजनेस समझने के लिए करते हो, इसलिए यहीं तक की इनकम स्टेटमेंट आपने कॉस्टिंग में करी है। इसके बाद जो भी चीजें आई वो सब फाइनेंसिंग नेचर की हैं। मतलब सर इस बात से मैं अब आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में बताया, ये जो आपका इंटरेस्ट का खर्चा है ये आपका फाइनेंसिंग खर्चा है। एक मिनट, इंटरेस्ट का खर्चा कहां पे माइनस है? ये रहा। ये जो आपका इंटरेस्ट का खर्चा है ये सर आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, और फाइनेंसिंग कॉस्ट अपने साथ साथ एक रिस्क का एलिमेंट ला रही है, जो कि क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल रिस्क कहलाएगा। और इसी फाइनेंशियल रिस्क को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। तो अब समअप करूं अगर इन दोनों बातों को, सर बाहर से लाया गया कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, समअप कर रहा हूं इन दोनों चीजों को। सर बाहर से लाया गया कंपोनेंट अगर ऑपरेटिंग नेचर का है और वो मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी वजह से एक रिस्क आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है मेरी इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ जाए, हो सकता है मेरी इनकम मल्टीपल टाइम घट जाए, तो सर वो कहलाएगा ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेटिंग लिवरेज का एलिमेंट। बाहर से लाया गया कंपोनेंट अगर फाइनेंसिंग नेचर का है और वो अपने साथ एक रिस्क का एलिमेंट ला रहा है, जिसकी वजह से मेरी कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम बढ़ रही है लेकिन
हो सकता है मेरी इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ जाए, हो सकता है मेरी इनकम मल्टीपल टाइम घट जाए, तो ये भी अपने साथ एक रिस्क ला रहा है जो कि कहलाएगा फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लिवरेज। और सर इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ना, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट को कंबाइंड करके पढ़ना, यह कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। क्या कहलाता है ये? कंबाइंड लिवरेज। आपको अपने पूरे चैप्टर में सर यही पढ़ना है अब इसके बाद, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, कंबाइंड लिवरेज क्या है। अब तो मैं इसके फॉर्मुलेस पे आ जाऊंगा सीधा सीधा, मेरे को बताइए यहां तक की सारी बात सभी को क्लियर है? हां जी। आर्यन जो उस टाइम पे मैंने बोला था, मैंने वो भी इसी में दोबारा से समअप करके रिपीट कर दिया है, एक बार फटाफट से बताएंगे यहां तक की सारी बातें सबको क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नींद में तो नहीं हो, समझ आ रहा है सारा, क्लास एकदम ठीक चल रही है, अटक तो नहीं रही कहीं पे स्क्रीन वगैरह, वॉइस वगैरह? यश कभी तो जवाब बदल, हमेशा अभी तक तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक करके इन्हीं लिवरेजेस को समझते हैं, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले एक ना सवाल आता है कई बारी, ध्यान से सुनिएगा, सवाल ये आता है सर आपने बड़े मजे से कह दिया कि फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट में लिवरेज का एलिमेंट है, हमको समझ आया कि फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज का एलिमेंट क्यों है और वो क्या कहलाएगा, हमको समझ आया, इंटरेस्ट में लिवरेज का एलिमेंट क्यों है और उसको क्या कहते हैं, ये भी आपने समझाया, हमको समझ आया, लेकिन सर ये जो बाकी एलिमेंट है इन्होंने क्या पाप किया था, इनमें लिवरेज का एलिमेंट क्यों नहीं है, एक बार समझाओगे ये मेरे को बताओ, क्वेरी समझ आई सबको कि सर ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो टैक्स का खर्चा है, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा है, सर इनमें लिवरेज का एलिमेंट क्यों नहीं है, इनमें कोई रिस्क का एलिमेंट क्यों नहीं है, ये समझाओ एक बारी। अब मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको, तो सर मेरे को एक बात बताओ, लिवरेज का मतलब अल्टीमेटली रिस्क ही है, लिवरेज का मतलब अल्टीमेटली रिस्क ही है, रिस्क का भी मतलब क्या होता है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, हो सकता है फ्यूचर में फायदा हो जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए, लिवरेज में भी तो यही है कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको फायदा हो सकता है नुकसान, तो अल्टीमेटली लिवरेज का मतलब रिस्क ही है। तो सर वेरिएबल कॉस्ट में लिवरेज का एलिमेंट क्यों नहीं है, रिस्क क्यों नहीं है, तो मेरी एक बात सुनिए, अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को, अगर मैं यहां पर आपके पास बोलूं सर कोई खर्चा ऐसा है, एक बार मैं समअप करूंगा इसको, उसके बाद एक एक खर्चे को एनालाइज करेंगे उसके बेसिस पे, अगर मैं आपको बोलूं कि सर कोई खर्चा ना ऐसा है कि आप प्रोडक्शन करो आप प्रोडक्शन ना करो, ये प्रोडक्शन आपकी मार्केट में बिके या ये प्रोडक्शन आपकी मार्केट में ना बिके, इन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये खर्चा आपका इंकर होगा ही होगा, तो सर ऐसे खर्चे में तो रिस्क है, और यह खर्चा आपका कौन सी नेचर का बना, फिक्स्ड की नेचर का बना, जिसमें आपकी इंटरेस्ट वाली फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट भी आ सकती है, ऑपरेटिंग नेचर वाली फिक्स कॉस्ट भी आ सकती है, कि सर फ्यूचर में मैं काम करूं या ना करूं, मेरा काम चले या ना चले, मेरी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज रेट पर इनकम आए या ना आए, खर्चा तो सर आएगा ही आएगा, तो है सर रिस्क। लेकिन अगर मैं आपको यह कह दूं कि सर फ्यूचर में अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ही आपका वो एक्सपेंस इंकर होगा, अगर फ्यूचर में प्रोडक्शन नहीं करते, मान लो आपकी एक साल आपने प्रोडक्शन करी मार्केट में नहीं बिकी, अगले साल आपने प्रोडक्शन ना करने का डिसीजन लिया, आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपका वो खर्चा भी नहीं होगा, तो सर क्या ऐसी चीज में, क्या ऐसे खर्चे में रिस्क नजर आ रहा है आपको, बताएंगे एक बारी, क्या ऐसे खर्चे में जो ये सेकंड में मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या इसमें आप लोगों को रिस्क नजर आ रहा है? नहीं सर, इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन, मेरे को मार्केट में मेरी यूनिट्स बिक रही होंगी तो मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा वो खर्चा आएगा, अगर मार्केट में मेरी प्रोडक्शन बिक रही है और तभी मेरा वो खर्चा आ रहा है तो सर सही है, मेरे पास प्रॉफिट बचेगा, लेकिन अगर मार्केट में मेरी कोई यूनिट्स नहीं बिक रही तो मैं प्रोडक्शन भी नहीं करूंगा, खर्चा भी नहीं आएगा, ना मैंने खर्चा किया ना मार्केट में प्रोडक्ट बिका, तो मैं जीरो पे हूं, यहां पर तो क्या हो रहा है, खर्चा आएगा ही आएगा, मार्केट में प्रोडक्ट बिके या ना बिके, अगर बिक गया तो प्रॉफिट, ना बिका तो लॉस, लेकिन यहां पे बिका तो खर्चा आएगा, प्रॉफिट भी आएगा कुछ ना कुछ, नहीं बिका तो सर खर्चा भी नहीं आएगा, यहां पे एक तरह से मैंने वेरिएबल खर्चे की बात करी है, तो सर काहे का लिवरेज,
काहे का रिस्क? अगर कोई खर्चा फिक्स्ड है ही नहीं, आपको फायदा होगा तो वो खर्चा इंकर होगा, आपको फायदा नहीं हो रहा तो वो खर्चा भी इंकर नहीं हो रहा, तो सर इसमें कोई रिस्क नहीं है सर। बट क्रूड ऑयल जैसे एग्जांपल तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। यश जी आप यहां पे मेरे को दो बातें समझाइए, क्या मैं यहां पे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं? कच्चा तेल कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं खरीद सकता, ये सरकार खरीदती है या सरकार ने जिन लोगों को रिफाइनरीज अलॉट कर रखी है पहली बात वो खरीदती है, दूसरी बात कच्चे तेल में आप भी जरा बताइए आप कैसे बोल रहे हो ये बात, बताइए जरा यश एक्सप्लेन करिए क्रूड ऑयल यहां पे आया कैसे, समझाएंगे मुझे। हाँ जी यश जी बताइए प्लीज। हाँ है यश, आप बनाने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरा मेरे को एक्सप्लेन करिए। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन करिए, जल्दी करिए, पर कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बताओ डिस्कस करते हैं उसको, अब बोलेगा नहीं नालायक। हाँ हाँ आगे बताना, जो रिफाइनिंग के प्रोसेस में एंगेज्ड है आगे बता कैसे, कैसे कह रहे हो ये फेल हो जाएगा ये समझाओ मेरे को एक बारी। मेरे को समझ आ गया, जो क्रूड ऑयल बना रहे हैं रिफाइन कर रहे हैं जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं उनके लिए आप कह रहे हो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कैसे करेगा वो बताइए ना, आपके मन में क्या आया उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर, फटाफट से बताइए। पर चलिए यश आप लिखते रहिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा भाई। और किसी को कोई डाउट यहां तक की बात में? हां जी बताएंगे एक बारी, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है सुषमा, ठीक है आर्यन, ठीक है सार्थक, प्रभव आपको समझ आ गया? ओके जी, यश ने अभी तक लिखा नहीं, बोल तो बड़े मजे से दिया सर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा नालायक। चलिए तो सर अब जो मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन करी है इसके बेसिस पे एक बारी सारे एलिमेंट्स देखते चलते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है तो आप प्रोडक्शन करोगे तो आपका खर्चा आएगा, अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपका खर्चा भी नहीं आएगा। सर वेरिएबल कॉस्ट में कोई रिस्क का एलिमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट को हम समझ चुके हैं, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट को हम समझ चुके हैं। सर टैक्स में तो लिवरेज का एलिमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि टैक्स पहली बात सरकार ले रही है, बिजनेस का एज सच खर्चा नहीं है। दूसरी बात टैक्स आपको देना ही तब पड़ता है जब प्रॉफिट है। सर अगर कोई खर्चा आज मेरे को कोई बोल देना तुम्हारा ये खर्चा तभी होगा अगर तुम्हें प्रॉफिट होगा, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। तो सर टैक्स का खर्चा तो इंकर ही तभी हो रहा है जब मेरे को प्रॉफिट है, तो इसमें तो लिवरेज के सवाल की, रिस्क के सवाल की बात ही नहीं आती है। रिस्क तो तब है मेरे को इनकम हो या ना हो, खर्चा होगा ही होगा, तो उस खर्चे में रिस्क है, टैक्स में कोई रिस्क नहीं है। सर प्रेफरेंस डिविडेंड को मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसमें छोटा सा एक पॉइंट है। इक्विटी डिविडेंड, सर इक्विटी डिविडेंड में भी यही बात बोलते हैं, प्रॉफिट होगा तो आपको मालिकों को इक्विटी डिविडेंड बांटना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सर आपको इक्विटी डिविडेंड बांटना ही नहीं है। तो इस एलिमेंट में भी आपका कोई रिस्क, सॉरी तो इस एलिमेंट में भी आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यह एलिमेंट कब देना है? जब आपके पास प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो यह एलिमेंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, बात खत्म हो जाती है यहां पर। अच्छा सर प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में आप क्या कहना चाह रहे थे पहले मेरे को बताओ, यहां तक की सबको बात क्लियर हो गई? हाँ जी यहां तक की सबको बात क्लियर, तब तक मैं यश का डाउट भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते ना, एक बारी शुरू कर दी तो जल्दी से जल्दी। बेटा जी यश जिस सर्कमस्टांस की आप बात कर रहे हो कृपया करके इस तरीके के सर्कमस्टांसेस की बात नहीं करेंगे। पेंडेमिक के केस में, जब पेंडेमिक के केस की आप बात करते हो तो सर आपके सारे बुकिश लॉजिक फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात आपने जो केस लिखा है वो पर्टिकुलरली वंस इन अ लाइफ टाइम केस है, उसकी बात हम यहां पे नहीं करेंगे, एंड बाय द वे उसमें भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहली बात पेंडेमिक की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है। इस केस में जो भी आपको नुकसान होता है चाहे वो वेरिएबल नेचर का नुकसान हो, वो आपका एबनॉर्मल लॉस बनता है, वो आपके बिजनेस की नेचर का कुछ नहीं है, वो सब आपका एबनॉर्मल लॉस है। पहली बात तो ये, ठीक है यश जो आपने पूछा। और दूसरी बात यहां पर जो आपने लिखा है वो भी आपने गलत लिखा है, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल दो जो पेंडेमिक वाला रीजन होगा वो तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए अब एक बारी मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहा हूं। प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए,
प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में आपका लिवरेज का एलिमेंट होता भी है और प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में आपका लिवरेज का या रिस्क का एलिमेंट नहीं भी होता है। सर गजब बात आ गई, क्या आपको आता नहीं है जो आप जानबूझकर हमको दोनों ही आंसर बता रहे हो? सुनो तो सही, आराम से चिल मार के आराम से सुनते रहो, ठीक है ना? नींद में तो नहीं हो अभी, जाग रहे हो ना पक्का? आज की क्लास में आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका शायद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। सुनेंगे, सर एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, अगर पहले साल मेरे पास प्रॉफिट नहीं है कोई बात नहीं, इस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर मेरे पास दूसरे साल प्रॉफिट नहीं है तो पहले साल का डिविडेंड तीसरे साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मेरे पास तीसरे साल भी प्रॉफिट नहीं है तो पहले साल का डिविडेंड चौथे साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मेरे पास चौथे साल भी प्रॉफिट नहीं है तो फिर सर ये इससे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये यहां पे लैप्स हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे साल का डिविडेंड था, दूसरे साल का भी कुछ डिविडेंड बनता होगा, दूसरे साल प्रॉफिट नहीं आया वो तीसरे साल कैरी फॉरवर्ड, तीसरे साल डिविडेंड नहीं आया वो चौथे साल कैरी फॉरवर्ड, चौथे साल डिविडेंड नहीं आया वो पांचवें साल कैरी फॉरवर्ड, पांचवें साल डिविडेंड नहीं आया वो वहां पे लैप्स। मेरे कहने का मतलब है सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है तो करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, नेक्स्ट ईयर नहीं है उससे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, चार साल तक एक साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अगर चौथे साल भी प्रॉफिट नहीं आया तो वो डिविडेंड वहां पे लैप्स कर जाएगा। तो सर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इसमें लिवरेज का एलिमेंट बन गया। एक तरह से इस साल अगर प्रॉफिट नहीं है तो सर अगले साल डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर अगले साल प्रॉफिट नहीं है तो उससे अगले साल डिविडेंड देना पड़ेगा, उससे अगले साल भी प्रॉफिट नहीं है तो उससे भी अगले साल डिविडेंड देना पड़ेगा। तो पहले चार साल तक प्रेफरेंस डिविडेंड का पहले चार साल तक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड सर फिक्स्ड नेचर का हो गया। प्रॉफिट है या नहीं देना पड़ेगा, इस साल नहीं दे सकते अगले साल दो। एक तरह से दोबारा से करेक्ट रिपीट करता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बने उनका डिविडेंड पहले चार साल तक सर फिक्स्ड की नेचर का रहा, तो पहले चार साल तक उसमें लिवरेज का एलिमेंट होगा, लेकिन चौथे साल के बाद डिविडेंड ही खत्म हो गया। जब डिविडेंड ही खत्म हो गया तो क्या लिवरेज क्या ना लिवरेज बात ही नहीं आएगी। और सर अगर यह नॉन क्यूमुलेटिव होते, नॉन क्यूमुलेटिव तो नॉर्मल हो गए, इस साल प्रॉफिट है डिविडेंड बांट दो, नहीं है अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो सर इनमें कोई लिवरेज नहीं होता, इनमें देयर इज नो लिवरेज। तो सम अप अगर मैं करूं तो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो पहले दो पार्ट्स में बांटना पड़ता है, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं या वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हो तो सर उनमें लिवरेज का एलिमेंट होता ही नहीं है, प्रॉफिट है तो खर्चा देना है नहीं तो नहीं देना है। और सर अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो पहले चार साल तक प्रतिष्ठा कह रही है क्यूमुलेटिव वाला नहीं समझ आया, बेटा पॉइंट तो क्यूमुलेटिव वाले में ही था, वही आप कह रहे हो समझ नहीं आया। मेरे को एक बात बताओ प्रतिष्ठा जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्यूमुलेटिव के केस में क्या आपको यह बात पता है कि अगर पहले साल आपके पास प्रॉफिट नहीं तो उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर नेक्स्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट नहीं तो उससे नेक्स्ट ईयर उसी साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आगे की आगे डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता है, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है किसी भी साल का डिविडेंड? चार साल तक। अगर चार साल बाद भी प्रॉफिट नहीं आया तो फिर यह डिविडेंड फिफ्थ ईयर से लैप्स हो जाता है। यह बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्रतिष्ठा ने लिख भी दिया, ओके प्रतिष्ठा अब बात सुनेंगे। तो क्या पहले चार साल तक अगर किसी भी एक साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो पहले चार साल के लिए किसी भी ईयर का डिविडेंड फिक्स्ड नेचर का नहीं हो गया? फिक्स्ड नेचर का खर्चा क्या होता है? देना ही देना है भाई। पहले साल प्रॉफिट नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल देना, अगले साल प्रॉफिट नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है उससे अगले साल देना, खत्म नहीं करेंगे इस डिविडेंड को, यह डिविडेंड देना है, फिक्स्ड है यह डिविडेंड। इस साल प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल दे देना, बट पहले चार साल तक। तो मतलब पहले चार साल के लिए डिविडेंड फिक्स्ड की नेचर का बन गया, मतलब इसमें लिवरेज का एलिमेंट है।
उसके बाद ये डिविडेंड ही लैप्स हो गया, जब मेरी बैलेंस शीट से, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक डिविडेंड का एलिमेंट ही खत्म हो गया, तो लिवरेज है या नहीं है इसकी बात ही नहीं होगी जब वो एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी सार्थक, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉलोज प्रॉफिट, लेकिन उसकी नेचर फिक्स्ड की आ रही है। उस रेफरेंस से मैंने सिर्फ बोला कि उसमें लिवरेज का एलिमेंट आ सकता है, ऑल्दो ये बात तो है ही है कि भाई वो तो फिर भी तभी देना है अगर प्रॉफिट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिक्स्ड की नेचर वाइज बात करूं तो इसमें लिवरेज का एलिमेंट बनेगा। तभी आप देखना मोस्टली क्वेश्चंस में सिर्फ एक क्वेश्चन स्पेसिफिक मैंने यहीं पे साथ के साथ बात करके चला हूं, वैसे आपसे प्रेफरेंस डिविडेंड के रिस्पेक्ट में लिवरेज कभी पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है सार्थक, आपको समझ आया? प्रतिष्ठा, आपने पूछा था स्पेसिफिकली, दोबारा रिपीट करने के लिए, क्या आपको समझ आया ये प्रतिष्ठा? अच्छा ठीक है प्रतिष्ठा, ओके। तो सर एक तरह से हमने इनकम स्टेटमेंट के सभी एलिमेंट्स को स्टडी कर लिया है, वहां से एट द एंड ऑफ द डे रिजल्टेंट यही निकला कि सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट ऐसे दो खर्चे हैं जिसमें लिवरेज का एलिमेंट है और किसी चीज में लिवरेज का एलिमेंट नहीं है। अब कोई महानुभाव, कोई अल्ट्रा लेजेंड अगर हमारी क्लास में है तो मेरे को बताइए, किसी नालायक के मन में यह तो नहीं आ रहा कि सर आपने सेल नहीं बताया, सर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, सर आपने ईबीआईटी नहीं बताया, सर आपने ईबीटी, ईएटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं बताया, इसमें लिवरेज क्यों नहीं है? हाँ जी, है ऐसा कोई? बोलो बोलो, क्या ऐसा कोई है? सुषमा कह रही है नहीं, प्रतिष्ठा कह रही है नहीं। चलो सुषमा, फिर आज आप एक बारी एक्सप्लेन कर ही दो, सबके मुंह बंद करवा दो इंक्लूडिंग मी, जरा मेरे को बताओ रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईएटी, ईबीटी, सेल्स, कंट्रीब्यूशन, इसमें लिवरेज की मैं बात ही क्यों नहीं कर रहा हूं, या इनमें लिवरेज क्यों नहीं है, बताइए एक बारी। सुषमा जवाब देगी और कोई नहीं लिखेगा। हां जी सुषमा, डाउट तो नहीं है, लेकिन अब मैं एज अ स्टूडेंट, सुषमा जी मेरी टीचर है, सुषमा जी समझाइए। सुषमा कह रही है सर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आज आपने मुझे पकड़ लिया? कोई बात नहीं सुषमा, जवाब दे दो, बैठे बैठे हंसो मत, शर्माओ मत, जवाब दीजिए, हम जवाब चाहते हैं आपसे। बच्चा जवाब नहीं दे रहा, मैं नाराज हो जाऊंगा फिर? नालायकों, कोई और बता दो। सर अपना उसका ऊपर वाला कंपोनेंट में, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। सुषमा जी का जवाब आया, सर आपने जब वेरिएबल कॉस्ट बता दिया तो सेल्स का बताने की जरूरत ही क्या है, इसी तरीके से अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया तो कंट्रीब्यूशन बताने की जरूरत ही क्या है। वाह बेटा वाह, मैं सारा ईएफएम ऐसे पढ़ा जाऊं फिर कि एक बता दिया तो उससे ऊपर बताने वाले की जरूरत क्या है? नालायक, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा सुषमा आप कह रहे हो तो उसका भी सेम होगा, वेरिएबल कॉस्ट बता दिया इसमें लिवरेज नहीं है, ठीक है आप कह रहे हो तो उसके ऊपर वाले का भी सेम होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में तो लिवरेज है, क्या कंट्रीब्यूशन में भी फिर लिवरेज है? आपके अकॉर्डिंग तो फिर कंट्रीब्यूशन में लिवरेज होना चाहिए। इंटरेस्ट में तो लिवरेज है, तो क्या ईबीआईटी में भी लिवरेज है? तो आपके अकॉर्डिंग तो ईबीआईटी में भी लिवरेज होना चाहिए। समझ आया सुषमा मेरा क्वेरी? समझ आई मेरी? एज अ स्टूडेंट एक क्वेरी बोल रहा हूं मैं आपको, चिंता मत करो, आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं समझाऊंगा। बाकी नाला एक सब लिख रहे थे नहीं सर नहीं, हमारा कोई डाउट नहीं है इसमें, बताइए मेरे को, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं इसके आगे, मेरे को बताइए एक बारी, जवाब चाहते हैं हम आपसे। हाँ जी सर, ऑब्लिगेशन नहीं है इक्विटी डिविडेंड पे, कंपनी में रिटेन द होल अमाउंट। बेटा ये कहां से आ गया? चलो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स का बता दिया और कुछ? ये हमारा कोई चार्ज थोड़ी दा है। बिल्कुल सही सार्थक, एग्जैक्ट आंसर दिया है आपने, बाकी सारे नालायक पता नहीं बीटिंग अराउंड द बुश, एग्जैक्ट आंसर सार्थक ने दिया है। सर लिवरेज में बार बार क्या कह रहा हूं, एक बाहर से लाया गया कंपोनेंट जो कि आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, अपने साथ एक रिस्क लाएगा। रिस्क सर किस में आता है? खर्चे में। रिस्क आता है एक्सपेंस की वजह से। मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के आपको एक्सप्लेन किया है यहां पे कि सर रिस्क एक्सपेंस की वजह से आ रहा है। आपकी इनकम हो या ना हो, खर्चा होगा तो लिवरेज है, रिस्क है ऐसे खर्चे में। आपकी इनकम हो तो ही वो खर्चा होगा, इनकम ना हो तो वो खर्चा नहीं होगा। तो ऐसे खर्चे में
कोई रिस्क या लिवरेज नहीं है, क्या सेल खर्चा है, क्या कंट्रीब्यूशन खर्चा है, क्या ईबीआईटी खर्चा है, क्या ईबीटी, ईएटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें से कोई भी खर्चा भी है? यह खर्चा ही नहीं है, यह तो इनकम है। ये सारी चीजें इनकम या रेवेन्यू को शो कर रही हैं, तो इसमें लिवरेज की बात ही नहीं आएगी, नालायक। हां जी, समझ आया अभी? गुड सार्थक, थी बड़ी बेसिक सी बात। सुषमा, चलो ठीक है, सुषमा नाराज तो नहीं हो गई? कहीं सुषमा ने कहा सर ऐसे कैसे आपने मेरे को पकड़ लिया, ऐसी की तैसी आपकी। ओके जी, अच्छा प्रतिष्ठा कह रही है हाँ उसने मैसेज किया, अभी मैसेज में कुछ गाली वाली ऐसा तो नहीं लिखा उसने, पता चले सर की ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने पहला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब यहां पे आप आ जाइए सेकंड स्टेटमेंट पे। प्रांजलि अभी मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, प्लीज आगे समझते हैं, आप आगे कनेक्ट कर लेंगे उसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बारी उतने वाले पार्ट के लिए रिकॉर्डिंग या फिर क्लास के बाद एक बारी फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है प्रांजलि। चलिए अब आप यहां से स्टार्ट करिए, एक तरह से मैं नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तक जो भी मैंने समझाया है ना अब मैं उनको नोट डाउन करवाऊंगा, ठीक है ना। आइए सेकंड, पहला कॉन्सेप्ट इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिए सेकंड कॉन्सेप्ट की, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, इसका ए पार्ट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। मैंने ऊपर ऑपरेटिंग लिवरेज लिख दिया था सिर्फ, लेकिन इसको पूरे तरीके से हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी मैं इन सबके फॉर्मुलेज वगैरह सब कुछ आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल लाइफ में पर्पस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या चीजें आ जाती हैं इससे रिलेटेड, वो सारी चीजें आपके पास आएंगी। अभी इसको हम प्यार से बोल देंगे DOL, डॉल, ठीक है जी। क्या सर पेपर में ये अब्रीविएट करके आ सकता हूं? हां जी, ऑफिशियल जार्गन है ये इसका। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक है जी। उसके बाद बी पार्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इसको ब्रैकेट में अब्रीविएट कर देंगे DFL, ये भी ऑफिशियल जार्गन है इसका, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। This arises due to existence of financial nature activities. उसके बाद C point लिखेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, प्यार से हम इसको बोल देंगे DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। दिस अराइजेस ड्यू टू, ये एक तरह से इन दोनों का मिक्सचर है, दिस अराइजेस ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लिखिए यहां तक, कंप्लीट करिए।
हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा एक बारी। हाँ जी कंप्लीट हो गया। ओके जी, अभी ये आपने सेकंड पॉइंट लिखा है टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, प्यार से हम इसको बोल देंगे DOL। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें अब एक एक करके पॉइंटर्स आएंगे। मेन हेडिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज चलेगी, इसको इन एंड आउट हम पूरा एक्सप्लेन, जितने भी इसके फॉर्मूलेज बनते हैं अब इसके नीचे सारे लिखेंगे। सबसे पहले ए पार्ट फॉर्मूला, DOL इज इक्वल टू, अभी सब समझाऊंगा एक बार बस लिख लेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर्मूला लिखिए, बी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, लिख लिया फॉर्मूला, ऊपर कर दूं इसको, ऑब्जेक्टिव में बाय कैलकुलेटिंग DOL वी गेट टू नो चेंज इन, वी गेट टू नो चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ DOL इज 5 कॉमा, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अभी यह सब समझाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ DOL इज 5 इट मीन्स इफ सेल्स चेंजेस बाय 1% कॉमा ईबीआईटी विल चेंज बाय 5%। लिखे यहां तक पूरा, इफ DOL इज 5 इट मीन्स इफ सेल्स चेंजेस बाय 1% ईबीआईटी विल चेंज बाय 5%। हो गया यहां तक? हाँ जी, ओके। अब सी पार्ट एग्जाम्पल, इसके थ्रू जो भी मैंने ऊपर अभी लिखवाया है वो सारा हम समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, पहले देख लो उसके बाद बनाइएगा। तो पर्टिकुलर्स के अलावा मैंने इस एग्जाम्पल के फॉर्मेट में चार कॉलम्स रखे हैं। एक में मैं लिखता हूं प्रेजेंट, एक में मैं लिखता हूं प्रपोज्ड, आने वाला मतलब सिनारियो, यहां पे चेंजेस इन अमाउंट, और यहां पे मैं लिखना चाहता हूं परसेंटेज चेंज। ये फॉर्मेट बना लीजिए एक बारी, फिर आगे बढ़ेंगे। बनाइए एक बारी यहां तक फॉर्मेट। हो गया? हाँ जी, हो गया यहां तक। चलिए अब यहां पर मैं आपके सामने सबसे पहले सेल यूनिट्स लिखता हूं। मान लीजिए आज की डेट में 10,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं और अगले साल हमको लगता है हम 15,000 यूनिट्स बेचेंगे। अब इसके बेसिस पर यहां पे मैं बना क्या रहा हूं इस फॉर्मेट में, दोनों इयर्स की इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा। यहां से निकलेगा कुछ क्रक्स और वहीं से आप खुद ब खुद जो मैंने फॉर्मूले ऊपर लिखाए हैं वो आप खुद ही बना लोगे, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं आप सेल्स, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सेल्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैं 10 रुपए ही ले रहा हूं, तो एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट्स बिक रही हैं तो कितने रुपए की सेल,
1,00,000 रुपए की। आने वाले टाइम में अगर मेरी सेल 15,000 हो जाती है तो कितने रुपए की सेल होगी? सर 1,50,000 रुपए की सेल। तो मेरी सेल कितने अमाउंट से बढ़ी? सर 50,000 रुपए से बढ़ी, 1,00,000 से 1,50,000 हो गई। मैं आपसे पूछूं कितनी परसेंटेज से बढ़ी? सर 50,000 से सेल बढ़ी है ऑन 1,00,000 बेस सेल, तो 50% से मेरी सेल बढ़ गई। हां जी, ये बात क्लियर हुई सबको? यहां पे सिंपल बातें लिखी है मैंने। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मान के चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट है, तो एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट्स आप बेच रहे हो तो 60,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। आने वाले टाइम में अगर 15,000 यूनिट्स बेचोगे और पर यूनिट 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 90,000 आ जाएगी। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी? सर 60,000 से वेरिएबल कॉस्ट 90,000 हो गई, 30,000 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। कितने परसेंटेज से बढ़ी वेरिएबल कॉस्ट? सर 30,000 चेंज आया डिवाइडेड बाय बेस वेरिएबल कॉस्ट 60,000 थी, 60,000 पे 30,000 बढ़ के 90,000 हुई है, 50% का चेंज इसमें आया। तो आपके पास यहां पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40,000, यहां पे आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा 60,000। 1,50,000 माइनस 90,000 60,000, और यहां पे 1,00,000 माइनस 60,000 40,000। आपका कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ा? सर 20,000 से। और कितने परसेंटेज से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा? 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 50% से। यहां तक कंप्लीट करिए एक बारी, यहां तक कंप्लीट करिए। हो गया? चलिए, अब सर इसके बाद यहां से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और मान के चलते हैं आपकी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग मशीनों वगैरह के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है। आने वाले टाइम में अगर मैंने 15,000 यूनिट्स भी बना के मार्केट में बेच दी, क्या मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं सर, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है। आप एक यूनिट बेचो, आप दो यूनिट बेचो, आप 1,00,000 यूनिट्स बेचो, आप मत बेचो, खर्चा रिमेंस द सेम। अभी भी सर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट सेम 20,000। क्या कोई चेंज आया फिक्स्ड कॉस्ट में? नहीं, किसी परसेंटेज का कोई चेंज नहीं आया। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। यहां पे आपका ईबीआईटी प्रेजेंट सिनारियो में 40,000 माइनस 20,000 20,000 आया, यहां पे आपका ईबीआईटी 60,000 माइनस 20,000 40,000 आएगा। ईबीआईटी कितने से बढ़ा? सर 20,000 से बढ़ के 40,000 हो गया, 20,000 रुपए से ईबीआईटी बढ़ा। कितने परसेंटेज से बढ़ा? सर 20,000 का चेंज आया है ऑन योर प्रेजेंट बेस 20,000, 100%। मेरी बात समझ आई आपको? यहां तक, यहां तक एक बारी नोट करिए। आई गेस अगर आपको ऊपर वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए थे ना, तो यहां पे भी आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं। कंप्लीट करिए यहां तक, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं और ऊपर जो भी लिखवाया उससे कनेक्ट करवाऊंगा। हो गया यहां तक नोट? सभी का हो गया? चलिए अब मेरी बात सुनिए। आप सेल्स से कंट्रीब्यूशन तक आए, सेल्स से कंट्रीब्यूशन तक आए, क्या सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में जो एलिमेंट है वेरिएबल कॉस्ट, क्या उसमें कुछ लिवरेज था? क्या उसके बीच में जो कंपोनेंट था वो ये कहता था कि मैं आपकी इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ाऊंगा या इनकम मल्टीपल टाइम घटाऊंगा? नहीं सर, इसीलिए जितनी मेहनत करी आपने उतना ही फ्रूट मिला आपको। जितनी से सेल बढ़ाई आपने, 50% से सेल बढ़ाई, 50% से आपने अपनी मेहनत बढ़ाई, आपको सर रिजल्टेंट भी उतना ही मिला, 50% से ही आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। लेकिन जब मैं सेल्स से कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन से जब ईबीआईटी की बात करता हूं, तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में जो फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट था, क्या सर इसमें लिवरेज था? हां सर, फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज था। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में लिवरेज था, जो कि ये कहता था कि मैं आपकी इनकम को मल्टीपल टाइम बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। उसकी वजह से सर मैंने मेहनत करी 50% की, लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई 100% से। मेरे को बताइए समझ आया यहां तक आपको? तो अल्टीमेटली जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आया 50%, उतना ही चेंज सेल्स में है 50%। तो मैं चाहे ये बोल दूं कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में लिवरेज है, या मैं यूं बोल दूं सेल और ईबीआईटी
आईटी के बीच में कौन लिवरेज है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अब यहां से एक रिजल्टेंट आपके सामने आता है, क्या सेल में आपने चेंज किया 50% का, उसकी वजह से आपके ईबीआईटी में कितना चेंज आया, 100% का। सेल में चेंज किया आपने 50% का, उसकी वजह से ईबीआईटी में चेंज आया 100% का, ऐड करके आएगा 2, और ये 2 को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, वही लिखा है सर। सेल में 50% का चेंज आया जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखवाया था, उसकी वजह से ईबीआईटी में चेंज कितना आया, 100% का, जो हमने फॉर्मूले में न्यूमरेटर में लिखा था, और ये आया 2। ये 2 अल्टीमेटली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 50% से सेल बदली तो 100% से ईबीआईटी बढ़ा। 2 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अगर 1% से सेल में चेंज आएगा तो 2% से ईबीआईटी में चेंज आएगा, अगर 1% से सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी 2% से बढ़ेगा, अगर 1% से सेल घटेगी तो ईबीआईटी 2% से घटेगा, डबल स्पीड पे रहेगा उससे। क्यों ऐसा, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट नाम का ऑपरेटिंग लिवरेज का एलिमेंट था। मेरे को बताइए समझ आया, बिल्कुल सही, एक तरह से इलास्टिसिटी। और यही अगर आप यहां पे देखो, मैंने वही आपको फॉर्मूला लिखवाया है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कॉस्टिंग में भी, मैं यहां पर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि सर कोई भी फॉर्मूला कभी भी किसी भी लेवल पे आप जाके समझो, स्पेसिफिकली इन योर फाइनेंस हर फॉर्मूला सर डिनोमिनेटर से समझा जाता है। तो इस फॉर्मूले को अगर समझेंगे, डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो इस फॉर्मूले को पढ़ा और समझा कैसे जाएगा, सेल में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा, सेल में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, और मैं सेल से ईबीआईटी तक क्यों आ रहा हूं, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का ऑपरेटिंग लिवरेज का एलिमेंट है जो कि आपकी इनकम को मल्टीपल टाइम बढ़ाएगा या घटाएगा। तो वो कितना मल्टीपल टाइम बढ़ाएगा या कितना मल्टीपल टाइम घटाएगा, जैसे आपका मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जब आपको दिखाया था तो उस शेयर पर 9x था, तो 9 क्या है, ये जैसे यहां पे 2 आया है ऐसे यहां पे 9 है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम, कितना मल्टीपल टाइम, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग लेवरेज। मेरे को बताइए आपको यहां तक की सारी बात समझ आई, बताएंगे एक बारी, हां जी यहां तक की सारी बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक बारी इस ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, बाय कैलकुलेटिंग DOL वी गेट टू नो चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स, सेल्स में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से आपके ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, वो आपको DOL से पता चलता है, वही हमने समझाया और मैंने यहां पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर DOL 5 है तो इसका मतलब क्या है, सेल अगर 1% से बदलेगी तो ईबीआईटी 5% से बदलेगा। इसी तरीके से जैसे हमारे सॉल्यूशन में 2 आया तो इसका मतलब क्या है, सेल 1% से बढ़ेगी तो ईबीआईटी 2% से बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है सर, ओके। अब यहां पे इसके बाद ये मैंने एग्जांपल आपको सी पार्ट में लिखवाया, अब डी पार्ट लिखिए, इसके बाद डी पार्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखेंगे, अभी वही हेडिंग चल रही है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखिए, DOL इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, कंप्लीट करिए यहां तक इसको लिख के, हो गया। चलो अब पहले मेरी एक बात सुनो, मैं आपको इसी तरीके से अभी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज करवाऊंगा, इसी तरीके से आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज करवाऊंगा, इसी तरीके से मतलब ऐसे ही आपके पास एक ये फॉर्मूला आएगा परसेंटेज वाला, और ऐसे ही एक आपके पास ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आएगा। अब मैं एक डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे रहा हूं, आपके 99.9% क्वेश्चंस में, बल्कि मैं 100% क्वेश्चंस भी बोलना चाहूंगा, आपका जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ना,
चाहे DOL में लिखवाया है, चाहे DFL, चाहे DCL में लिखवाऊंगा, आपके क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटिव वाला फॉर्मूला यूज होगा। है सर, ऑल्टरनेटिव वाला जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT वाला लिखवाया वो? हाँ जी, आपका मोस्टली क्वेश्चंस में सर यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो सर फिर इतना टाइम आपने उस पहले वाले फॉर्मूले पे क्यों लगाया? दो रीजंस की वजह से। पहला, लॉजिक सर वहीं से समझा जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज का, तो पहले तो मेरे को लॉजिक समझाना था, उसके लिए मेरे को वो फॉर्मूला समझाना पड़ा। दूसरी बात, कई बारी, इनफैक्ट दो तीन बारी अब रिसेंट अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट खेल चुका है बच्चों के साथ। क्या खेल चुका है? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो ये ऑल्टरनेटिव वाले फॉर्मूला करके चले जाते हैं। ये जो पहले वाला परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला ना, ये करते ही नहीं है। और इंस्टीट्यूट ने बड़ी चालाकी से इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन दे दिया पेपर में, कंपलसरी क्वेश्चन में 5 नंबर का। और क्या दिया क्वेश्चन में? परसेंटेज चेंज इन EBIT बता दिया, परसेंटेज चेंज इन सेल बता दिया, और पूछा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताना क्या है। अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स जो क्वेश्चन में दे रखा है बस उसको डिवाइड करके आंसर देना है, 5 नंबर। लेकिन ये भी बच्चे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं देखा होता उन्होंने, उन्होंने कराई यही वाला फॉर्मूला होता है, करा नहीं होता बल्कि रटा होता है। इसलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले समझाया है। हाँ जी, बात समझ आई? पूरा लॉजिक यहां से निकलता है क्योंकि, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां पे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया, ये अभी आगे धीरे धीरे करेंगे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में यही यूज होना है। ऑल्दो इस फॉर्मूले को तो आप ऐसे समझ लो, कॉन्ट्रीब्यूशन से जब EBIT तक आते हैं बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट होता है जो कि ऑपरेटिंग लिवरेज है। तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT करवाया कि कितने कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरा कितना EBIT आ रहा है इस फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में एग्जिस्टिंग लिवरेज एलिमेंट की वजह से। बाकी इसको क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन स्पेसिफिक उसमें समझेंगे। हाँ जी, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? ये मैंने अभी ऑल्टरनेट फॉर्मूला बहुत डिटेल में नहीं समझाया है, मेरे को मालूम है, मेरे को समझाना है। क्लियर है सबको यहां तक? नींद में तो नहीं हो? जिंदा लाश तो नहीं बनने वाले? नहीं सर, अभी तो नहीं, कौन सा हम हां कह देंगे आप मान जाओगे? बिल्कुल सही बात। आइए फिर, मैंने अभी आपको हेडिंग डलवाई थी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, थर्ड हेडिंग, अब फोर्थ हेडिंग डालेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अभी तक आपको FM में कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? अभी दूसरी क्लास है वैसे आज, लेकिन अभी तक जो भी हम इस चैप्टर में अभी तक समझा है, जो भी किया है, बड़ी बेसिक बेसिक सी नॉर्मल सी बातें लग रही है, मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? क्योंकि अब देखो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में आता है 5 नंबर में, वेरी इजी। मैं तो कहता ही हूं FM इतनी आसान है जैसे कॉस्टिंग आसान है। सुनेंगे अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसमें सबसे पहले ए पार्ट, हिमानी इसमें अच्छा 60 में से 40 की बात कर रहे हो? देखो ये पेपर ना आपका 40 नंबर वाला पेपर ही नहीं है, ये पेपर आपका अजम्पशन से ऊपर, तभी आप ये मान के चलिए। अब इसमें मैं अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप किसी भी बच्चे का देखोगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं इस पेपर में, एग्जैक्टली सार्थक, पूरा पेपर एक तरह से कॉमन सेंस बेस्ड है। जी सुषमा, अब ये सुषमा थोड़ा सा सरकाज्म पे आ गई है, इसलिए मैं चुप करता हूं और लिखता हूं, DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। फॉर्मूला लिख लीजिए एक बारी, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। इसके बाद बी पार्ट, ऑब्जेक्टिव By calculating this, we get to know change in EBIT due to change in EBIT. फॉर एग्जाम्पल वाली चीज ना अभी मैं नीचे एग्जाम्पल में लिखवाऊंगा, इसमें आपको सी पॉइंट एग्जाम्पल
यहां तक एक बार लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर जो लिखा है उसको समझेंगे जैसे DOL में समझा था। करिए यहां तक। हो गया? ओके जी। अब सर इसका एग्जाम्पल करते हैं, सेम उसी तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। यहां पे प्रेजेंट सिनारियो, यहां पे प्रपोज्ड सिनारियो, यहां पे चेंज इन अमाउंट, यहां पे परसेंटेज, ऐसी बनाया था हमने पिछले वाला फॉर्मेट। करिए एक बार फॉर्मेट बना लीजिए। अब यहां पर मैं जान के, ताकि आपको पूरी लिंकेज भी मैं बाद में समझा पाऊं, मैं सेम जो मैंने फॉर्मेट, जो एग्जाम्पल मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में उठाया हुआ था ना, मैं उसी एग्जाम्पल से आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में इनकम स्टेटमेंट शुरू करवाई थी सेल की यूनिट्स 10,000 और 15,000 से, ईबीआईटी तक हम ऑपरेटिंग लिवरेज में आ चुके थे। अब हमें इससे आगे जाना है फाइनेंशियल लिवरेज के लिए, क्योंकि ईबीआईटी के बाद ही इंटरेस्ट आता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल लिवरेज होता है। तो मैं इसी ईबीआईटी को उठा के आगे कंटिन्यू करूंगा इनकम स्टेटमेंट। एक तरह से सिंगल इनकम स्टेटमेंट है, उसको तोड़ के आपको समझा रहा हूं ये। तो मैं इसी ईबीआईटी को यहां पर लिखूंगा। ईबीआईटी हमारा अभी तक आया हुआ था 20,000 प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रपोज सिचुएशन में 40,000, 20,000 से यह बढ़ा था, 100% का चेंज आया था ईबीआईटी में। ठीक, ये मैंने बिल्कुल प्रीवियस इनकम स्टेटमेंट से ही आगे कंटिन्यूशन में उठा लिया। अब मान लीजिए यहां से माइनस करना है इंटरेस्ट। अब अगेन एग्जांपल के लिए 80,000 रुपए का मान लो डेट है, जिस पे 10% का मान लो कूपन इंटरेस्ट रेट है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो 80,000 रुपए का डेट जिस पे 10% का एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8,000। और सर आने वाले टाइम में अगर मैंने ज्यादा यूनिट्स बेच दी हैं या आज यूनिट्स कम बेची हैं, क्या इंटरेस्ट का खर्चा बदलेगा? नहीं सर, इंटरेस्ट का खर्चा तो सेम रहेगा, फिक्स का है, लेकिन फाइनेंसिंग नेचर का है 8,000। तो सर इसमें अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं आया, परसेंटेज में भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसकी वजह से आपका ईबीटी बदल जाएगा। एट प्रेजेंट आपका ईबीटी आया 12,000, प्रपोज्ड सिनारियो में आपका ईबीटी आएगा 32,000। कितने से आपका ईबीटी बदला? सर 20,000 रुपए से मेरा ईबीटी बढ़ गया है, क्योंकि 20,000 से हमारी ईबीआईटी बढ़ी थी। अब कितने परसेंटेज का चेंज आया इसमें? 20,000 डिवाइडेड बाय 12,000, ये आता है 166.66। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, 167% कर देता हूं यहां पे। सार्थक लिखता है सर अगर सेम ले लेते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज का भी तो पॉइंट है, तो ये तो कंबाइंड हो जाएगा। बच्चे ऑपरेटिंग लिवरेज में आपने, सुनेंगे ध्यान से सार्थक, आप कंफ्यूज हो गए, आपने सेल्स से ईबीआईटी तक आकर दिखाया है, सेल्स से आपने ईबीआईटी तक आकर जब दिखाया तो उसके बीच में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट था, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग लिवरेज था। अब मैं ईबीआईटी से ईबीटी तक आकर दिखा रहा हूं, मैं सेल से ईबीआईटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईबीआईटी से ईबीटी तक आकर दिखा रहा हूं, उसके बीच में सिर्फ इंटरेस्ट है। उससे पहले क्या हो चुका है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं ईबीआईटी की वजह से ईबीटी में क्या चेंज आया। दोबारा रिपीट करता हूं, ईबीआईटी की वजह से ईबीटी में क्या चेंज आया, मैं सिर्फ इस रिलेशन की यहां पर बात करना चाह रहा हूं। और ईबीआईटी की वजह से ईबीटी में कितना चेंज आया, वो इंटरेस्ट की वजह से ही होगा, क्योंकि वही एलिमेंट है इनके बीच में। ठीक है सार्थक? हाँ जी, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, यहां तक नोट कर लिया सबने? हाँ जी, नोट हो गया यहां तक? अब मेरी एक बारी बात सुनेंगे इसको कैलकुलेट करने से पहले। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मैंने आपको बताया है, कभी भी किसी फॉर्मूले को समझा जाता है डिनोमिनेटर से, तो समझिए इसको, ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आएगा।
ईबीआईटी में चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आएगा, यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में एक एलिमेंट है इंटरेस्ट का, जिसमें फाइनेंशियल लिवरेज कंपोनेंट है। तो मैं देखना चाह रहा हूं ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में जो फाइनेंशियल लिवरेज का कंपोनेंट है वो कितने से इनकम को बढ़वाता है या कितने से इनकम को घटवाता है। ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से मेरा फाइनेंशियल लिवरेज का एलिमेंट कितने से ईबीआईटी को बढ़ाता है या घटाता है, ईबीटी को घटाता है या बढ़ाता है। अब इसके बेसिस पर अगर मैं यहां पे इस आंसर को निकालना चाहूं तो डीएफएल इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखवाया परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, मतलब ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से ईबीटी में कितना चेंज आता है। मैं दोबारा एक बार इसको यहां से बोलूंगा, ईबीआईटी में चेंज आने की वजह से ईबीटी में कितना चेंज आता है, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट नाम का फाइनेंशियल लिवरेज का एलिमेंट है। तो सर ईबीआईटी में जब चेंज आया था 100% का, ईबीआईटी में जब चेंज आया था 100% का, तो उस 100% के चेंज इन ईबीआईटी ने ईबीटी को 167% से चेंज करवा दिया। इसका मतलब आपका डीएफएल 1.67 आया। 1.67 का डीएफएल क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इट मींस, एक सेकेंड, डीएफएल ऑफ 1.67 डिनोट्स 1% चेंज इन ईबीआईटी, 1% चेंज इन ईबीआईटी विल रिजल्ट इन 1.67% चेंज इन ईबीटी। 1% का अगर चेंज होगा ईबीआईटी में तो 1.67% का चेंज होगा ईबीटी में। ये नंबर ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम चेंज क्यों आ रहा है? 100% से अगर ईबीआईटी बढ़ा है तो ईबीटी 100% से क्यों नहीं बढ़ रहा, उससे मल्टीपल टाइम से क्यों बढ़ रहा है या उससे मल्टीपल टाइम से क्यों घट रहा है? क्योंकि सर बीच में लिवरेज है। अगर बीच में लिवरेज ना होता तो ये भी 100% आता, ये भी 100% आता। बीच में लिवरेज है इसीलिए ये अलग परसेंटेज से, इसीलिए मल्टीपल परसेंटेज से बढ़ रहा है। आप इस बात को चाहे पिछली इनकम स्टेटमेंट से देख लो, सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में कोई लिवरेज नहीं था, इसलिए 50% से सेल बढ़ी, 50% से कंट्रीब्यूशन बढ़ा, कोई मल्टीपल टाइम्स नहीं बढ़ा। लेकिन जहां जहां लिवरेज है वहां वहां वो मल्टीपल टाइम से बढ़ रहा है। मेरे को बताइए, ये जो मैंने इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, क्या ये आपको समझ आई और नोट करी आपने? हां जी, समझ आ गया। सार्थक, आपने जो डाउट पूछा था वो आपको क्लियर हो चुका है। चलूं आगे, सभी को समझ आ गया? और मैंने यहां पे वही चीज लिखी है, बाय कैलकुलेटिंग दिस वी गेट टू नो चेंज इन ईबीटी ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी में चेंज आने की वजह से ईबीटी में कितना चेंज आएगा। और आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी। अब मैं आपसे ना खुद से फॉर्मूले बनवाऊं अगर एक बारी, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया है। देखिए, सेल्स से ईबीआईटी तक आते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज में, और इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, डिनोमिनेटर से समझा जाता है। तो सेल से ईबीआईटी तक आना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में, तो क्या बोलोगे? सेल में चेंज होने की वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, सेल में कितना चेंज, उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज। ईबीआईटी से ईबीटी तक आना होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेस्ट नाम का फाइनेंसिंग एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आएगा, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी में कितना चेंज, उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब इसका एक बारी अल्टरनेट फॉर्मूला, डी पार्ट अल्टरनेट फॉर्मूला, जैसे उसका लिखवाया था, सेम चीज यहां पे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही यूज होगा। डीएफएल इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग
ईबीटी। लिख लीजिए एक बार ये फॉर्मूला, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। हो गया। और सर सेम चीज यहां पे है, एक तरह से ईबीआईटी से ईबीटी तक आए हैं, क्यों? बीच इंटरेस्ट नाम का फाइनेंशियल लिवरेज का एलिमेंट है, ठीक है ना। ईबीआईटी की वजह से ईबीटी कितना बनेगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए अब यहां पे ये जो हमने कवर अप किया है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 था भाई। स्पीड किसी को ज्यादा तो नहीं लग रही? सही है, बिल्कुल समझ आ रहा है सबको साथ साथ। इसके बाद हम फिफ्थ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, प्यार से बोल देंगे इसको डीसीएल। देखो ध्यान से, हमें जब यहां पे, एक सेकेंड, अभी जो मैंने आपको रफली यहां पे बताया कि सेल्स से ईबीआईटी तक आना होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में, और ईबीआईटी से ईबीटी तक आना होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में, रीजन बीइंग यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, यहां पे इंटरेस्ट। कंबाइंड लिवरेज में हम सीधा सीधा सेल्स से ईबीटी तक आकर दिखाएंगे। सर क्या समझ नहीं आया, दोबारा बोलो, मैं इसको दोबारा एक बार लिख के ही आपको बता देता हूं। देखिए हमें सेल्स से ईबीआईटी तक आना होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है। ईबीआईटी से हम ईबीटी तक आकर दिखाते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में, क्योंकि बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में हम सीधा सेल्स से ईबीटी तक आकर दिखाते हैं, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेल से ईबीआईटी तक आकर दिखाना ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि बीच में ऑपरेटिंग खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ईबीआईटी से ईबीटी तक आकर दिखाना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, क्योंकि बीच में फाइनेंसिंग नेचर का इंटरेस्ट का खर्चा एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं कहूं मैं शॉर्टकट मारूंगा सीधा सेल्स से ईबीटी तक आकर दिखाऊंगा, तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों खर्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा कंबाइंड लिवरेज, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग और वो दोनों है। बिल्कुल सही सुषमा, सुषमा ने तो सर देखो फॉर्मूला भी बना के बता दिया। अब सर फॉर्मूला खुद से बनाओ, आपको सेल्स से ईबीटी तक आकर दिखाना है तो क्या फॉर्मूला बनाओगे? सेल्स में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, सेल में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मेरे को बताइए अभी जो मैंने ये वाली बात बोली है, यहां पे जो छोटा सा एक्सप्लेन किया है वो सभी को क्लियर हुआ है? तो इसके नीचे तब तक मैं लिखता हूं सिंपल सिंपल फॉर्मूला, बताएंगे एक बार ही, सभी को क्लियर हुआ है यहां पे जो मैंने बोला अभी? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अल्टीमेटली इसका मतलब सेल में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से सीधा ईबीटी में कितना चेंज होगा, और बीच में फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज, इंटरेस्ट की वजह से फाइनेंशियल लिवरेज, और दोनों ही यहां पर कवर्ड हो गए, तो नाम दे दिया कंबाइंड लिवरेज। बी, ऑब्जेक्टिव, बाय कैलकुलेटिंग दिस we get to know change in EBT, we get to know change in EBT due to change in sales, for example, या इसको मैं नीचे वाले उसमें explain करता हूं, यहां तक एक बारी लिखिए objective को। अल्टीमेटली जो मैंने ऊपर लिखा है सेल में चेंज होने की वजह से ईबीटी में कितना चेंज आएगा, वही मैंने यहां पे लिखा है। इसको कैलकुलेट करने की वजह से वी गेट टू नो ईबीटी में कितना चेंज आएगा सेल्स में चेंज होने की वजह से, ठीक है जी।
उसके बाद सी पार्ट एग्जाम्पल। अब इसके लिए मैं आपसे आपको अलग से कोई इनकम स्टेटमेंट या एग्जाम्पल कोट नहीं करवाऊंगा, जो हमने आधी इनकम स्टेटमेंट ऑपरेटिंग लिवरेज में लिखी है और आधी इनकम स्टेटमेंट हमने फाइनेंशियल लिवरेज में लिखी है। ये एक तरह से कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट का डेटा था, मैं यहीं से डेटा उठाऊंगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है सर? 50%। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना आया था सर? 167%। तो मैं सीधा सीधा यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, ईसीएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल में 50% का चेंज हुआ, उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। सेल में कितना चेंज हुआ, उसकी वजह से सीधा ईबीटी में कितना चेंज होगा? कंबाइंड लिवरेज। वो 167% का चेंज हुआ था। सेम डेटा इसलिए मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड करके बताया था। तो ये आएगा 167 डिवाइडेड बाय 50, दिस विल बी 3.34। तो इसके आगे परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं आता है, ये जो भी लिवरेजेस निकलते हैं इसके आगे परसेंटेजेस वगैरह कुछ नहीं होता है, बस डिजिट लिखी जाती है। इसका मतलब क्या है? डीसीएल ऑफ 3.34 डिनोट्स इफ सेल चेंजेस बाय 1% ईबीटी विल चेंज बाय 3.34%। अगर सेल में 1% का चेंज होता है तो उसकी वजह से ईबीटी में 3.34% का चेंज होगा। और इस 3.34 में ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही सार्थक। सार्थक ने अल्टरनेट फॉर्मूला भी बना दिया। देखो अब तो आप खुद से फॉर्मूले बनाने लग गए। गजब बात। इसका पहले वाला फॉर्मूला बल्कि सुषमा ने खुद बताया और अल्टरनेटिव फॉर्मूला सार्थक ने बता दिया। बहुत बढ़िया। डी पार्ट अल्टरनेट फॉर्मूला। आप तो अल्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हो, गजब बात हो गई। डीसीएल इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। ये लिखिए एक बारी। सार्थक कह रहा है संगत का असर, होपफुली मेरी संगत की बात कर रहा है तू। कंप्लीट करें यहां तक। ओके सार्थक, थैंक यू सो मच। आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है ऐसे ये कि आप हमारी प्रशंसा करेंगे कभी। नल्ला नलायक। हो गया यहां तक नोट? अब देखिए एक बारी अल्टरनेट फॉर्मूले में भी हमने डीओएल में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन से एग्जिस्टिंग ईबीआईटी तक आए। बीच में फिक्स कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट का लिवरेज कवर्ड हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज में। फिर हम एग्जिस्टिंग ईबीआईटी से एग्जिस्टिंग ईबीटी तक आए, उसमें इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा था, फाइनेंशियल लिवरेज का एलिमेंट कवर्ड हो गया। यहां पर मैं सीधा सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन से ईबीटी तक आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, तो इसके फिक्स कॉस्ट कवर्ड हो गया। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद ईबीआईटी आता है, जिसमें से फिर माइनस होता है इंटरेस्ट, फिर जाके ईबीटी आता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी आ गया। दोनों कवर्ड अप हो गए, ये कंबाइंड लिवरेज बन गया। शाम को तूने ही सर के साथ जूस पीना शुरू कर दिया क्या? महफिल लगाते हैं हम। मेरे को बताइए समझ आ गए यहां तक? क्या लाइफ सच में इतनी ईजी है? हां बेटे। अच्छा, इसके नीचे अब एक नोट डालिए, नोट वन। आई गेस यहां तक सबको समझ आ गया। अब मैं बस बिल्कुल एंड के क्रक्स पे आ रहा हूं। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? यहां तक तीनों लिवरेजेस आपको अच्छे से समझ आ गए, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। बताएंगे एक बारी, मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। ओके जी, अब नोट वन लिखिए, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, डोंट टेक इट अदरवाइज, कहीं यश को रोना ना आ जाए रिलेशनशिप का नाम सुन के। डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल। लिखिए, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। प्रूव करते हैं अभी इस बात को, बड़ी छोटी सी बात है वैसे ये।
मैं यादों में ना चला जाऊं। बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे बच्चे हैं, हो गया यहां तक? अब सर सुनिए, ये कैसे लिख दिया, आप चाहे पहले वाले फॉर्मूले को देख लो, चाहे आप ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले को देख लो, दोनों से यही क्रक सामने आएगा। पहले मैं परसेंटेज वाले फॉर्मूले की बात करता हूं। DOL का फॉर्मूला आपने क्या बनाया था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल में चेंज होने की वजह से EBIT में कितना चेंज आएगा, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट है, यही फॉर्मूला बनाया था। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का क्या फॉर्मूला बनाया था, परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT में चेंज होने की वजह से EBT में कितना चेंज आएगा, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यही फॉर्मूला बनाया था। मल्टीप्लाई करना इन दोनों का, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, यहां से EBIT से EBIT कट जाएगा और ये नेट क्या बच जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। और ये फॉर्मूला किसका था, ये तो सर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लिखा है अभी, बन गया क्रक्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। मैंने तभी आपको पहले ही ऐसे नहीं बताया, पहले मैंने इंडिविजुअली फॉर्मूला बनवाया और उसके बाद ये क्रक्स बता रहा हूं, तो सर अल्टीमेटली शायद आपको समझ आ गया हो। यहीं से अगर आप ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले को भी देखो, परसेंटेज वाले फॉर्मूले को ना देखो, अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या फॉर्मूला बनाया था, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन से EBIT तक आना में फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज का एलिमेंट। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला अल्टरनेटिव EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT से EBT तक आना है, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट का फाइनेंशियल लिवरेज का एलिमेंट है। और सर अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये EBIT से EBIT कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कॉन्ट्रीब्यूशन से EBT तक आना है, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट दोनों के एलिमेंट्स हैं। और सर ये फॉर्मूला तो किसका था, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, यहां पे भी बन गया क्रक्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, वही मैंने यहां पे आपको इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में लिखवाया है। हाँ जी, समझ आई ये वाली बात जो अभी बोली है, बताएंगे सभी, क्लियर हो गया सबको? ओके जी, तो अब अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज आ चुका है, तो कंबाइंड लिवरेज का चाहे फॉर्मूला मत लगाइएगा, इसी से निकाल लीजिएगा। या आपके पास कोई भी दो लिवरेजेस आ गए हैं, तीसरा लिवरेज रादर देन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नोट नंबर टू, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वुड बी, आप बताइए, अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो सबको पता चल गया कि सर फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट करता है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हुई तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? सार्थक ने कहा सर जीरो, सुषमा ने कहा सर जीरो, प्रतिष्ठा ने भी कहा सर जीरो, निल, सार्थक ने फिर आंसर बदला, वन किया, बिल्कुल सही सार्थक, अब आपने सही आंसर दिया है। मैंने इसीलिए आपको नोट में यह चीज लिखवा रहा हूं, आईसीआई बड़ा चलाक है, आप देखिए इतने सिंपल से क्वेश्चन चार चार पांच पांच नंबर में डालता है। क्वेश्चन आया पेपर में, DOL एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट DOL क्या होगा, बस पांच नंबर का सवाल, आंसर है सर वन। और मोस्ट बच्चे यहां पे आंसर लिख के आते हैं जीरो, क्योंकि उनको लगता है फिक्स कॉस्ट नहीं है, ऑपरेटिंग लिवरेज जीरो हो जाएगा। आप एक बारी इस स्टेटमेंट में डाल के तो देखिए, फॉर्मूले में डाल के तो देखिए, इतना सिंपल क्रक्स है इसका। अगर सर यहां पे फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये 20,000 नहीं है, यहां पे ये 20,000 नहीं है, तो उतना ही EBIT आएगा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये भी यहां पे 40,000, ये भी यहां पे 60,000, यहां पे चेंज भी 20,000, और अल्टीमेटली परसेंटेज चेंज कितना, 50%। फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT 50% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%। फिक्स कॉस्ट नहीं, ऑपरेटिंग लिवरेज वन बना, मेरी बात समझ आई? लिवरेज क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम इनकम बढ़ेगी या घटेगी, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कोई मल्टीपल टाइम इनकम बढ़ेगी या घटेगी नहीं,
जीरो थोड़ा ना आ जाएगी, जितनी आनी चाहिए उतनी तो आएगी ना। जीरो लिखने का तो मतलब है आप 1% से भी सेल बढ़ाओ तो 0% से इनकम बढ़ेगी। ये क्या बात हुई, 1% से सेल बढ़ाओगे सर, 1% से तो इनकम बढ़ेगी अगर लिवरेज नहीं भी हुआ तो। समझ आया आपको ये पॉइंट? हां जी, सभी को ये वाली बात क्लियर? इसी तरीके से नोट 3, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इफ देयर इज नो इंटरेस्ट कॉस्ट। बताइए, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होगी तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1, अगर लिवरेज नहीं होगा तो 1 रहेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वुड बी, चाहे इसमें डाल के देख लो, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो जितना ईबीआईटी उतना ही ईबीटी, उतना ही परसेंटेज चेंज। फॉर्मूले में डालोगे आंसर 1 आएगा। लास्ट नोट, नोट नंबर 4, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज एग्जिस्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सही सार्थक, मल्टीपल टाइम्स की बात कर रहे हैं। डीसीएल एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट कॉस्ट इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। डीसीएल वुड बी 1, अगर दोनों नहीं होंगे तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही ईबीआईटी आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है, और जितना ईबीआईटी उतना ही ईबीटी आएगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो जितना कंट्रीब्यूशन जितनी सेल उसी हिसाब से आपका ईबीटी आ जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा आपका। हां जी, क्लियर हुआ आपको यहां तक? नोट हो गया? किसी भी पॉइंट में यहां तक की बातों में कुछ भी डाउट है प्लीज पूछिए। हां जी, हो गया क्लियर सबको? अब मेरे को बस आपके 5 मिनट और चाहिए, उसके बाद आपकी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। पहली बात सुनेंगे ध्यान से, आपका सर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सारा जितना भी था खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने सारे आपको एक जगह पे मर्ज करवा के ये कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं, आई गेस आपको अच्छे से समझ आए। बेटा एक एलिमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली दूसरा होगा, कैसी बातें करते हो? अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, मतलब जितना डीएफएल उतना ही डीसीएल। अगर इंटरेस्ट नहीं है और फिक्स्ड कॉस्ट है तो जितना डीओएल उतना ही डीसीएल। ठीक है सार्थक, समझ आया ना? अगर एक ही एलिमेंट है तो जितना भी उस एलिमेंट का लिवरेज वही कंबाइंड लिवरेज। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है तो डीओएल उसकी वजह से जो भी आएगा और डीएफएल वन आएगा, मल्टीप्लाई वाले रिलेशन से भी समझ लो चाहे। ठीक है जी? अच्छा, तो पहले तो मैंने आपको यह बात बोली कि सर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हो चुके हैं खत्म, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको बस एक सिंपल सी चीज, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हुआ है तो एक चीज आपको सिखा के जा रहा हूं। सर ये जो आपने डीओएल डीएफएल डीसीएल निकलवाए हैं, ठीक है निकालना हमने सीख लिया, क्या इसका रियल लाइफ में कोई पर्पस भी है? ये निकाले भी जाते हैं रियल लाइफ में? बस मेरे को 5 मिनट लगेंगे, फटाफट से मैं इसको खत्म करूंगा। ठीक है, पहले मेरा सवाल क्लियर हो गया कि रियल लाइफ में सर इसकी कोई लिंकेज भी है? यहां से मैं आपको एक फाइनेंशियल एनालिसिस, जैसे हम बोलते हैं कि सर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, इसको सीखने के लिए हम बोलते हैं कि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए। हम बोलते हैं क्या आना चाहिए? फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए। बच्चे पूछते हैं सर फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे सीखें, तो बड़े बड़े लोग गाइडेंस देते हैं, बेटा अपना एक काम करो, फाइनेंशियल मॉडलिंग इस तरीके के कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप ये करिए, आपको यहां से समझ में आएगा फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। अल्टीमेटली सर फाइनेंशियल एनालिसिस इज नथिंग एल्स बट अकाउंटिंग एनालिसिस।
जो भी अकाउंट्स में आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं उसका एनालिसिस मैं यहां पे आपके सामने 5 मिनट के अंदर अंदर इन चीजों के सामने वो एनालिसिस रख रहा हूं और आपको फटाफट से एक्सप्लेन करूंगा इनकी हेल्प से एक इक्विटी होल्डर कैसे डिसीजन लेता है कि मेरे को इस शेयर में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। मेरा यहां तक का सिनारियो आपको समझ आया मैं किस बारे में 5 मिनट में बात करूंगा? पता चले मैं बात कर जाऊं फिर बाद में पूछो सर क्या बात करी है। हाँ जी ये बात क्लियर हुई, क्योंकि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और उसकी कोई प्रैक्टिकल लिंकेज है जिससे आपकी नॉलेज भी एनहांस हो सकती है तो आपको साथ साथ सीखना होगा, आना चाहिए आपको। सिर्फ यश ने लिखा, बाकी नालायकों को नहीं हुआ क्लियर, मैं रिपीट कर दूंगा, प्लीज बता दीजिए एक बारी। या चले गए नींद में है, जिंदा लाशें बन गए, नले नालायक। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, सुनेंगे मेरी बात। ये जो डेटा होता है ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, सर ये डेटा ना हर कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट में देना होता है। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है सर? आपको पता है जहां पे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, P&L बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स और सारा डिटेल्ड वर्जन उसका यहां पे प्रेजेंट किया जाता है एनुअल रिपोर्ट में। ठीक है सर, वहां पे आपको इसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है, रूल्स हैं सेबी के, लिस्टेड कंपनीज को देना पड़ता है। सर अब इससे क्या होगा, मान लीजिए आप एक पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर, शांत मन से समझिएगा इसको, प्रेशर नहीं कि सर क्लास और लंबी जा रही है, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे मेरे को इसको समझाने में, ठीक है ना। मान लीजिए आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर हैं। सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? आप अभी एनालाइज कर रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। जब आप खाली होंगे ना, एग्जाम्स हो चुके होंगे, तब इसको अप्लाई जरूर करके देखिएगा, रिजल्टेंट आपके सामने होगा। कैसे सर? आप अगर इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, अभी आपने खरीदा नहीं है, आप सोच रहे हैं, और मान लो इसका एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप क्या सोचेंगे? आप अगर इस कंपनी का सर एक शेयर खरीदते हैं तो इस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। आपका एक शेयर खरीदने से सर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, उससे कंपनी एसेट्स खरीद पाएगी। मतलब आप अगर इस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे, कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे तो कंपनी की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, कंपनी की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो सर उसकी वजह से कंपनी सेल बढ़ा सकती है। अब आप यहां पे एनालिसिस लगाएंगे कि मैं अगर 100 रुपए का एक शेयर खरीदता हूं तो कंपनी के एसेट्स कितने से बढ़ेंगे और कितने से एसेट बढ़ेंगे उसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्शन कितने से बढ़ेगी। सर ये वाली बात हमको कहां से पता चलेगी? ये वाली बात कि पैसे लगाए 100 रुपए, उसकी वजह से कितने से एसेट बढ़ेंगे, जितने से एसेट बढ़ेंगे उसकी वजह से प्रोडक्शन कितने से बढ़ेगी, ये वाली बात का एनालिसिस आप लगाते हैं पिछले साल के डेटा से। आप कम से कम 5 साल की बैलेंस शीट उठाते हैं और P&L उठाते हैं और वहां से आप देखते हैं कि 5 साल पहले कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था, और जब इतना मान लो 5 साल पहले, ईयर 5 साल पुरानी बात, 2015 में मान लो इस कंपनी के पास 1 करोड़ की कैपिटल थी, तब कंपनी के पास एसेट्स के नाम पर जो भी चीजें थी उससे कंपनी मान लो प्रोडक्शन कर पा रही थी। ये तो पिछले टाइम का गुजरा हुआ डेटा है, ये तो आपको मिल जाएगा उस साल की एनुअल रिपोर्ट में, मनी कंट्रोल में मिल जाता है। और जब 1 करोड़ की कैपिटल एम्प्लॉयड थी तो कंपनी प्रोडक्शन कर पा रही थी मान लो 1 लाख यूनिट्स की, और यही बच पा रही थी। अगले साल कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाई 1.5 CR और कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ गई उस साल 1 लाख। अगले साल कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाई 1.7 CR और कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ गई 1 लाख। मतलब हर साल कितने से कैपिटल बढ़ी? 0.5 CR से कैपिटल बढ़ी, 20,000 से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, यहां से 0.2 CR से आपने वो बढ़ाया और यहां 5,000 से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। यहां पे DOL, DFL, DCL का कोई रोल नहीं आया, आपने 5 साल की बैलेंस शीट्स उठाई और वहां से इस एनालिसिस को निकाला और एक ऑन एवरेज आप एक परसेंटेज निकालते हो कि कितने परसेंटेज से कैपिटल बढ़ेगी तो उसकी वजह से कंपनी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है। जब आपके पास यह एनालिसिस आ जाएगा, मान लो आपके पास इस एनालिसिस का रिजल्ट आया 5%, इसका मतलब आप आज अगर 100 रुपए का इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो उसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 5% से बढ़ जाएगी। और मान लो आज की डेट में कंपनी 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो 5% से जब कैपेसिटी बढ़ेगी आपके पैसे लगाने से तो कंपनी 5,000 यूनिट्स और बनाएगी। अब
आपके पास रिवाइज्ड सेल्स आ जाएगी। पिछले साल की डेट, पिछले साल की सेल्स का डेटा उठाओगे, पिछले साल 1,00,000 रुपए की सेल्स आ रही थी, 1,00,000 रुपए की प्रोडक्शन थी, आपके पैसा लगाने की वजह से आपने एनालिसिस लगाया 5% से कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और मान लो वो सारी की सारी मार्केट में बिक जाएगी तो इस साल कितनी यूनिट्स बिकेंगी? 1,05,000, पिछले साल 1,00,000 थी। अब आप इसके हिसाब से आपके पास रिवाइज सेल्स आएंगी। आपके पास एक बार रिवाइज सेल्स आ गई तो पिछले साल की सेल्स भी हैं, इस साल की सेल्स भी हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब इसका एनालिसिस लगाकर आप क्या करेंगे? ड्यूएल का डेटा उठाएंगे एनुअल रिपोर्ट से, परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपने इस तरीके से निकाल लिया है, ड्यूएल के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना होगा और उसके बेसिस पे आप निकाल लेंगे रिवाइज्ड ईबीटी। ये रिवाइज्ड ईबीआईटी कौन सा होगा? अगर आप इस कंपनी में इतना पैसा लगा दे तो कितना रिवाइज्ड ईबीआईटी होगा और फिर इस रिवाइज्ड ईबीआईटी में, इस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में आप डीएफएल लगाएंगे जो एनुअल रिपोर्ट में अगेन गिवन है, उससे आपको पता चल जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना होगा और यहां से आप निकाल लेंगे रिवाइज्ड ईबीटी। आपके पैसा लगाने से कंपनी कितना ईबीटी कमाएगी? ईबीटी आपके पास आ गया, टैक्स रेट आपको मालूम है, सरकार कितना टैक्स उस कंपनी पे लगाती है, आप इसे टैक्स माइनस करेंगे, आपके पास अर्निंग्स फॉर, मान के मैं चल रहा हूं वैसे तो ईएटी आएगा, मैं मान के चल रहा हूं प्रेफरेंस वगैरह नहीं है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी होल्डर अगर है तो बैलेंस शीट में से देख के वो भी आप माइनस कर देंगे, आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गई ना एक बारी। बस आपको क्या करना होगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एक बारी आपके पास आ गई, आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन से इक्विटी शेयर्स लेंगे? इस कंपनी की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जितने नंबर ऑफ शेयर्स दिखाए होंगे प्लस जब आप भी शेयर्स खरीद लेंगे तो वो वाले शेयर्स भी आप ऐड कर देंगे, उससे डिवाइड करेंगे, आपके पास ईपीएस आ जाएगा। ये कौन सा ईपीएस है? पूरी लिंकेज समझ लो, पूरी लिंकेज ये बनाई थी, अगर आप पैसा लगाए तो कितनी प्रोडक्शन होगी, तो कितनी सेल होगी, तो उसकी वजह से कितना ईबीआईटी होगा, तो उसकी वजह से कितना ईबीटी होगा, तो उसकी वजह से कितनी अर्निंग्स होगी, उसकी वजह से कितना ईपीएस आएगा। ये आपका आने वाले टाइम का फ्यूचर ईपीएस आ गया। इस ईपीएस का मतलब है, अब सीधा अगर बात करें, आज अगर आपने इस कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाया तो आने वाले टाइम में कंपनी का ईपीएस कितना होगा? अब आप कंपेयर कर लेंगे किसी भी कंपनी का, अगर हर साल ईपीएस बढ़ रहा है, इस साल 10 है, अगले साल 12 है, अगले साल 15 है, एंड सो ऑन, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। यहां पे जो फ्यूचर ईपीएस अगर प्रेजेंट ईपीएस से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, अगर कंपनी का आने वाले टाइम में सर ईपीएस बढ़ेगा तो इसके शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अगर आपका यह एनालिसिस सच हो गया तो आने वाले टाइम में इसके डिमांड, क्योंकि मार्केट में जो ज्यादा समझदार लोग नहीं है वो सिर्फ ईपीएस देखेंगे और कहेंगे ईपीएस बढ़ रहा है, तो वो उस टाइम पर जब एक्चुअली में बढ़ेगा शेयर, जब एक्चुअली में ईपीएस बढ़ेगा, ये जो फ्यूचर ईपीएस आपने निकाला है, जब ये एक्चुअली में बढ़ा हुआ आएगा एक साल बाद, तब लोग कंपेयर करके इसके शेयर की डिमांड बढ़ाएंगे, जब डिमांड बढ़ाएंगे उस टाइम पर प्राइस बढ़ा होगा। आपने ये एनालिसिस लगाकर आज ही ये शेयर कर रखा होगा और आने वाले टाइम में ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा। एनीवे, ये मैंने आपको एक ओवरऑल छोटा सा एक फाइनेंशियल एनालिसिस बताया है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग करते हैं इनका यूज करके, डीओएल डीएफएल डीसीएल का। मेरे को बताइए समझ आया आपको? सभी को क्लियर हुआ है? सो तो नहीं गए भाई? क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिकली इस तरीके से लिंक होंगी। चलिए बाकी एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है जी? आई होप आपको सारा समझ आया होगा। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।